हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप बहुत अच्छे हो मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो चलिए वेलकम टू मिशन संभव टू पॉइंट ओ और आज हमारा जीएसटी चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन का जो रिवीजन सेशन रहेगा वो दो टॉपिक्स पे होगा आरसीएम एंड ईसीओ और सेकंड कंपोजिशन लेवी आई होप रिवीजन सेशन आपको आपकी पढ़ाई के लिए हेल्प कर रहे होंगे और यस आपको रिवीजन सेशंस सब्जेक्ट से कनेक्ट कर रहे होंगे तो आपकी कमेंट्स जरूर दीजिएगा लाइक like जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा चलिए मैं उन स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ जो ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो हमारा मिशन संभव जी एस टी चैप्टर वाइज चार्ट रिविजन जो है ये स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स के रिवीजन सेशन में ऑलरेडी दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपको मिशन संभव के लिए कैसे सब्सक्राइब करना है मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें अगर आप हमारे वेबसाइट पे सब्सक्राइब करते हो तो आपको अपडेटेड चार्ट बुक और अदर मटेरियल जो मिशन संभव में मैं देने वाला हूँ वो आपको मिल जाएगा और रिविजन वीडियो यूट्यूब पर फ्री है और आपको सब्सक्राइब करना है मेरा यूट्यूब चैनल थिंक जी एस थिंक विशाल सर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इमीजिएटली अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए दोस्तों हाँ क्वेश्चनर्स का मैं चैप्टर्स बहुत सारे चैप्टर्स क्वेश्चनर्स के मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए है कुछ चैप्टर्स में ग्रेजुअली जैसे मुझे टाइम की अवेबिलिटी होती है क्वेश्चनर्स के चैप्टर में रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ या कुछ चैप्टर्स के करने वाला हूँ तब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा मेरी जी बुक भी ग्रेजुअली अपडेट हो रही है तो चलिए हमारा स्टार्ट करते रिविजन और अभी हमारा टॉपिक जो रहेगा रिवर चार्ज मैकेनिज्म एंड ई आर यू रेडी येस और नो रिवर चार्ज में आपको दो सेक्शन है एक नाइन थ्री रिवर चार्ज मैकेनिज्म एंड ईसी पहले ये देख लेते हैं तो तीन सेक्शन हमें इस चैप्टर में देखने हैं एक है नाइन थ्री दूसरा है नाइन फोर और उसके बाद में नाइन फाइव नाइन थ्री ये जो है कुछ गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई करेगा और वो गुड्स और सर्विसेज जो नोटिफाई होगी उसके केस में रिवर चार्ज रिसिपियन पे आएगा एंड रिसिपियंट इज लाइबल टू पे टैक्स यानी टैक्स रिसिपियन को देना पड़ेगा नाइन थ्री का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और ये रिवर्स चार्ज का एक फ्लो मैं आपको समझा देना चाहता हूं अगर ये फ्लो आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात ओके okay, तो ये स्टार्ट करने के पहले एक कंप्लीट रिवर्स चार्ज के पॉइंट वाइज मैनर में मैं आपको पूरा फ्लो एक्सप्लेन कर देता हूँ अब रिवर चार्ज का पूरा फ्लो देखो यहाँ पे ठीक है अब इसमें एक मिनट बेटा हाँ अब रिवर चार्ज ठीक है रहने दो मोबाइल दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं <laughs> तो रिवर चार्ज में जहां तक है यहां दो पार्टी लेते हैं एक सप्लायर और एक रिसिपियंट सप्लायर जो है सप्लायर का आउटवर्ड सप्लाई वो जो है रिसिपियंट को कर रहा है सप्लायर का आउटवर्ड सप्लाई जो रिसिपियंट को कर रहा है तो ये सप्लाई नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज है मतलब नाइन थ्री में गवर्नमेंट ने ये गुड्स या सर्विस का जहां तक है जैसे जी टी ए सर्विस हुई स्पॉन्सरशिप सर्विस हुई उसके बाद में अगर हम बात करें तो ओके जीटीए स्पॉन्सरशिप सर्विस हुआ या उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पे जस्ट मिनट हाँ तो जी टी ए स्पॉन्सरशिप सर्विस हुआ लीगल एडवोकेट सर्विस हुआ समझ लो एडवोकेट सर्विस दे रहा है बिजनेस एंटिटी को जी सर्विस दे रहा है नोटिफाइड पर्सन को स्पॉन्सरशिप सर्विस दिया जा रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को तो सप्लायर जो है ऐसे कोई गुड्स या सर्विसेज दे रहा है जो नोटिफाइड है अंडर सेक्शन नाइन थ्री फॉर रिवर चार्ज या नाइन थ्री में नोटिफाइड है अंडर रिवर चार्ज ओके रिवर चार्ज में वो नोटिफाइड है तो वो केस में यहाँ पे पूरी प्रोसेस कैसी होगी पूरा ध्यान से सुन लो फटाफट यहाँ पे ध्यान से सुन लो अब ऐसे केस में सप्लायर ओके okay, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो सप्लायर का नोटिफाइड है वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो अब मैं आपको बता दूं। नाइन थ्री के रिवर्स चार्ज में सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो ये कोई कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है वो रजिस्टर्ड होगा तो भी टैक्स वो नहीं देगा उसका टैक्स रिसिपियन देगा और वो अनरजिस्टर्ड होगा तो भी टैक्स वो नहीं देगा उसका टैक्स रिसिपियन देगा अब समझ लो सप्लायर यहाँ पे रजिस्टर्ड है अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो लॉ ये कहता है कि टैक्स इन्वाइस ये बनाएगा इन्वाइस में आर पे ये टिक कर देगा और जो इन्वाइस में आर पे वो टिक कर देगा उसका टैक्स जो है ओके रिसिपियम रिवर चार्ज में गवर्नमेंट को पे कर देगा या फिर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है ओके okay, तो अनरजिस्टर्ड में तो वो अपना नॉर्मल इन्वाइस बनेगा और रिसिपियट वो केस में सेल्फ इन्वाइस बनाएगा एज अ कवरिंग डॉक्यूमेंट और रिवर्स चार्ज में टैक्स देगा लेकिन नाइन थ्री में अगर आपका गुड्स और सर्विस नोटिफाइड है तो टैक्स रिवर्स चार्ज में रिसिपियंट देगा इसमें सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है दूसरी बात जो भी सप्लायर तो चार्ज मिलता है, okay, repeat, ये को नहीं मिलता है। okay, जबकि एग्जाम नहीं है रिसीपियन टैक्स देता है उसका लेकिन इनको आई ब्लॉक कर दी है लेकिन ओके okay, कुछ ऐसी सर्विसेस okay, है जहां फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन दिया है एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसी सर्विस है जहां फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन दिया हुआ है जस्ट मिनट ओके अब फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन दिया है मतलब क्या ओके फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन दिया है का मतलब क्या मतलब यहां पे ये कि जैसे जीटी जीटीए कोसेंट फाइव परसेंट व्हीकल तो वहां पे भी दो ऑप्शन दिए हुए ओके okay. <coughs> <coughs> वहां पे भी दो ऑप्शन दिए ओके मोटर व्हीकल के केस में या कॉपीराइट सर्विसेज वहां पे भी दो ऑप्शन दिए गए हैं तो यस बेटा कुछ ऐसी सर्विसेज है जहां ओके okay, बढ़ा देता हूं तो अब यहां पे रिवर्स चार्ज में आईटीसी नहीं मिलता है इसलिए फॉरवर्ड चार्ज में वो ऑप्शन दिया गया है अब देखो फटाफट थोड़ा फ्लो में आते हैं थोड़ा फ्लो यहाँ पे ब्रेक हो गया अब आ जाते हैं इधर रिसिपियट रिसिपियट जो टैक्स देगा वो रिवर चार्ज में टैक्स देगा और लाइबिलिटी रिसिपियन पे आएगी हाँ पर रिसिपियट जो है यहाँ पे ये रिवर चार्ज में इन्वर्ट सप्लाई क्योंकि है तो इन्वर्ट सप्लाई रिवर चार्ज में टैक्स देते वक्त वो आई यूज़ नहीं कर सकता है उसे पूरा कैश लेजर के थ्रू देना पड़ता है लेकिन वो पेमेंट करने के बाद आई रिपीट वो पेमेंट करने के बाद जो है उसका आई जरूर ले सकता है इसलिए देखो आपके उस मंथ में दो टैक्स लाइबिलिटी आती है ओके समझ लो ये रिसिपियन बिजनेसमैन है

खो ज मिनट हां अगर हम नाइन थ्री की बात करें बेटा तो नाइन थ्री के केस में वो अगर सर्विस नोटिफाइड है गुड्स और सर्विस तो टैक्स रिसीपिएंट ही देगा लेकिन नाइन फोर के केस में मैं आपको बता दूं ओके नाइन फोर का रिवर्स चार्ज जैसे कंस्ट्रक्शन uh, सेक्टर में लगता है सीमेंट होगा या फिर इनपुट्स एटी परसेंट से कम परचेस किया होगा अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है ओके okay, और लेने वाला रजिस्टर्ड है तो वो केस में ही रिवर्स चार्ज लगेगा और लाइबिलिटी रिसिपियन पे आएगी और तीसरा बेटा नाइन फाइव नाइन फाइव अपलीकेबल इन केस ऑफ ई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर थोड़ा हम बाद में लेते हैं चलिए तो अब यहां पे ये नाइन फाइव जो है

एक 12 परसेंट वाला ऑप्शन दिया है और जी को एक 5 परसेंट वाला ऑप्शन दिया है अगर वो 12 परसेंट वाला ऑप्शन ले रहा है सुनिएगा अगर वो 12 परसेंट वाला ऑप्शन ले रहा है तो वो केस में जी जो है ओके okay, अपना टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में दे सकता है ओके okay, तो 12 परसेंट वाले ऑप्शन में वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे सकता है और वो फॉरवर्ड चार्ज में दे रहा है तो वो जो है यहाँ पे आई ले सकता है फॉरवर्ड चार्ज में दे सकता है और वो केस में वो आईटीसी ले सकता है पर ख्याल रहे ओके okay, अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में दे रहा है तो उसे एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ओके इन द इनवॉइस के वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे रहा है और ये केस में वो अपने इनपुट का आईटीसी ले सकता है लेकिन अगर फाइव होगा तो फाइव विदाउट आई होगा आई नहीं मिलेगा जीटीए को और वो केस में रिसीपी टैक्स देगा अब ये केस में रिवर्स चार्ज कहां अपलीकेबल होता है तो ये केस में रिवर्स चार्ज ओके सर्विस प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी अगर जी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है फिर रजिस्टर्ड पर्सन को

टीडीएस अब टीडीएस कॉन्सेप्ट जो अगर आपको याद आ रहे होंगे तो गवर्नमेंट टीडीएस डिडक्ट करता है तो उनका रजिस्ट्रेशन सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए है और उनको जीटीएस सर्विस दिया गया तो वो एग्जम्प्ट होगी वो एग्जम्प्ट होगी उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर जी ने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन नोटिफाइड कैटेगरी में आ रहे हो गए अब नोटिफाइड कैटेगरी में आ रहे मतलब क्या मतलब अगर उनकी रजिस्टर्ड फैक्ट्री होगी रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट या सोसाइटी होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी बॉडी कॉर्पोरेट होगा फर्म होगा एल एल होगा या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो और वो अनरजिस्टर्ड हो गए और ये नोटिफाइड कैटेगरी में आते हैं तो यस यहाँ पे रिवर चार्ज लगेगा ओके गे, और रिवर चार्ज में इन अनरजिस्टर्ड पर्सन पे टैक्स आएगा और ये अनरजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू जीएसटी हो गया अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर रजिस्ट्रेशन चैप्टर और इनको तीस दिन के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन ओके इनको तीस दिन के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन उसके बाद में ओके नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो इफ़ सर्विस प्रोवाइडेड टू अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब क्या मतलब जिसकी फैक्ट्री नहीं है जो सोसाइटी नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है बॉडी कॉरपोरेट नहीं है इन शॉर्ट अगर वो इंडिविजुअल है या एच है और जिनकी फैक्ट्री नहीं है तो उनको सर्विस एग्जमट ही दे दिया है तो ये था हमारा जी सर्विस से रिलेटेड पहला रिवर्स चार्ज अगर समझा होगा तो फटाफट जी टाइप करो अगर समझा होगा तो फटाफट जी टाइप करो उसके बाद में नेक्स्ट रिवर्स चार्ज जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है वो मोटर व्हीकल का चार्ज है अब ये मोटर व्हीकल का ओके चार्ज समझिएगा ओके ये डायरेक्ट चार्ट से समझाता हूँ ओके रिवर चार्ज है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ओके रिवर चार्ज है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और एक होता है देखो मोटर व्हीकल रेंट पे देना और एक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होना अब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में क्या डिफरेंस है ओके जैसे यहाँ पे अगर कोई टैक्सी है और टैक्सी मीटर टैक्सी है तो वो आपको बैठा के लेके जा रहा है और वो आपको बैठा के लेके जा रहा है या टैक्सी में आपको बैठा के लेके जा रहा है बस में आपको बैठा के लेके जा रहा है तो वो पैसेंजर को लेके जा रहा है जिसके वो कुछ अमाउंट लेगा या टिकट चार्जेस लेगा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी तो वहाँ रिवर चार्ज नहीं है वहाँ फॉरवर्ड चार्ज है ओके okay, हम स्पेशली क्या बात कर रहे हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल मतलब व्हीकल आपके कंट्रोल में आ गया आपको जहां जाना है व्हीकल आप रेंट पे ले रहे हो और आपको जहां जाना है वहां जा सकते हो उसमें कोई स्पेसिफाइड रूट नहीं है जैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में स्पेसिफाइड रूट है कि भाई यहां से यहां तक लेके जाएंगे ओके okay, तो पर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में कोई स्पेसिफाइड रूट नहीं है एक सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन है जो ये एरिया में है कि कब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल माना जाएगा और कब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस माना जाएगा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में व्हीकल का कंट्रोल आपके पास नहीं है आपको उस व्हीकल में बैठो

हाँ अब रिवर्स चार्ज कौन से एरिया में ऐसा मोटर व्हीकल आपने रेंट पे लिया जैसे कार ली ओके बस लिया कहीं आप ट्रिप पे जा रहे हो कार ले रहे हो कहीं ट्रिप पे जा रहे हो बस पे ले रहे हो ओके या एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेंट पे लिया कोई सॉफ्टवेयर कंपनी ने रेंट पे लिया कार हो बस हो या ऑटो ओके स्पेलिंग करेक्शन कर लेना ऑटो एक्सेट्रा तो वो सिचुएशन में यहाँ पे डिजाइन टू कैरी पैसेंजर है वो रेंट पे लिया समझ लो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स ट्रक ट्रैक्टर रेंट पे लिया होगा अगर ट्रक ट्रैक्टर रेंट पे लिया होगा तो वो केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कोई भी सप्लायर ट्रक ट्रैक्टर रेंट पे दे रहा है तो वो केस में फॉरवर्ड चार्ज अपलीकेबल होगा रिवर्स चार्ज कौन से कौन से एरिया में अपलीकेबल होगा ओके डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होगा तो ही होगा उसमें भी अब दो पैरामीटर है अगर आप ध्यान से देखोगे और आपने मेरा क्लास किया होगा तो चार्ट याद आ जाएगा ओके okay, उसमें भी दो पैरामीटर है कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड इन द दंसिडरेशन कॉस्ट ऑफ फ्यूल नॉट कंसिडर इन द ओके नॉट इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन अब कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन मतलब क्या समझ लो कोई सप्लायर ओके okay, आपको कार रेंट पे दे रहा है बस रेंट पे दे रहा है और वो कह रहा है कि इसमें फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड रहेगी ट्वेंटी रुपीज पर किलोमीटर रेंट रहेगा या मंथली रेंट रहेगा फ्यूल कॉस्ट उसकी इंक्लूडेड होगी कॉस्ट इंक्लूडेड होगी तो आगे बढ़ेगा अगर फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होगी तो ओके okay, रिवर चार्ज अप्लीकेबल नहीं होगा वहां पे फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा रिवर चार्ज होने के लिए मोटर व्हीकल रेंट पे दिया गया डिजाइन टू कैरी पैसेंजर है कॉस्ट ऑफ फ्यूएल इंक्लूडेड है अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो रिवर चार्ज में आगे बढ़ेगा उसके बाद में सप्लायर ऑफ सर्विस ओके एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए आई रिपीट सप्लायर ऑफ सर्विस एनी पर्सन अदर देन बॉडी बॉडी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट होना चाहिए मतलब मतलब क्या वो मतलब वो अगर वो body corporate होगा तो फिर फॉरवर्ड चार्ज ही आएगा ओके okay, और अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो रिवर्स चार्ज आएगा तो और रिसिपियट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी अनऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में सप्लाई होना चाहिए अगर अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में सप्लाई होता है यानी बॉडी कॉर्पोरेट को दिया यानी टैक्सीबल ट्रेटरी तो रिवर चार्ज अपलीकेबल होगा तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का रिवर्स चार्ज छह फैक्टर्स पे है पहला ओके रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होना चाहिए दूसरा सुनिएगा ओके दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है ओके डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स होना चाहिए आई रिपीट ओके डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होना चाहिए तीसरा कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होनी चाहिए चौथा सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए और लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए ओके ये पांचवा फैक्टर है और यहां पे जो रेंट कर रहा है उसने 12% वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है उसने 12% वाला ऑप्शन नहीं लेना चाहिए अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में भी दो ऑप्शन है 5% और 12% तो यहाँ पे अगर उसने 12% वाला ऑप्शन लिया होगा तो उसको फिर फॉरवर्ड चार्ज में देना पड़ेगा ओके उसने ट्वेल्व वाला ऑप्शन नहीं लिया होगा तो ये सारे फैक्टर तो रिवर होगा ओके okay, अगर आपको ये समझा होगा जीटीए जीटीए सर्विस सर्विस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में दो है और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ओके okay, तो अगर ये दोनों समझे तो फटाफट पे क्या करना करना है आपको लाइक, आपको लाइक करना है यहां पे। और है। तो ये सेक्टर हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर खत्म हुआ उसके बाद सेक्टर वाइज रिवर चार्ज याद करोगे तो आपको मजा आएगा चलो ओके okay, थोड़ा नीचे आ जाते हैं उसके बाद में लेते लेते हैं हैं लीगल 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 सर्विसेज 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 उसके बाद में लेते हैं, अब, में अब यहाँ पे ये समझा कि नहीं समझा समझाओगे तो फटाफट फट वन टाइप करो समझाओगे तो फटाफट वन टाइप करो चलो अब उसके बाद में लीगल सर्विस लीगल सेक्टर में रिवर चार्ज क्या आता है अगर सप्लायर इंडिविजुअल एडवोकेट सीनियर एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट होगा ओके okay, और वो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा होगा और कौन सी सर्विस दे रहा होगा लीगल सर्विस दे रहा होगा अगर वो लीगल सर्विस दे रहा है और इंडिविजुअल एडवोकेट फॉर्म ऑफ एडवोकेट या ओके सीनियर एडवोकेट होगा और बिजनेस एंटिटी इन अ टैक्सेबल टेरिटरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए तो चार्ज अप्लीकेबल होगा नाउ अब मेरा ये क्या कहना है इसके साथ थोड़ा एक्जम्पन भी पढ़ लेना अगर आपने इसके पहले का एक्जशन चैप्टर का रिविजन किया होगा तो लीगल सेक्टर में एक्जम्पन भी है एग्जाम भी है तो हम मैं अगर दोनों साथ में चलाऊ तो यहां पे देखिएगा अगर इंडिविजुअल एडवोकेट सीनियर एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है और लीगल सर्विस दे रहा है तो वो केस में रिवर चार्ज अप्लीकेबल होगा ओके रिवर चार्ज में बिल्कुल ध्यान में रखना कि ऐसा 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 हुआ तो रिवर्स नहीं तो फॉरवर्ड नहीं तो फॉरवर्ड मतलब क्या मतलब एक टेबल मैंने नीचे दिया है आर सी एम इफ ऑल फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड मतलब ऐसा 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 हुआ तो रिवर्स नहीं नहीं तो फॉरवर्ड फिर सप्लायर टैक्स देगा मतलब आरसीएम होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चाहिए ओनली इफ लीगल सर्विस सप्लाइड बाय एडवोकेट यानी ये रिवर चार्ज तभी अपलीकेबल है इफ सप्लायर एडवोकेट होगा ओके सप्लायर एडवोकेट होगा अगर सप्लायर एडवोकेट नहीं है ओके सॉरी सप्लायर एडवोकेट होगा और उसकी लीगल सर्विस होगी यानी एडवोकेट भी होना चाहिए और उसकी लीगल सर्विस भी होना चाहिए अगर सर कोई एडवोकेट है और लीगल सर्विस नहीं दे रहा है एडवोकेट वास्तु की सर्विस दे रहा है ओके okay, या एडवोकेट जो है यहाँ पे आ, यस yes, uh, कोई इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस दे रहा है या रेंटिंग और प्रॉपर्टी सर्विस दे रहा है तो वहां रिवर चार्ज नहीं ये मत मानना कि एडवोकेट की सारी सर्विसेज रिवर चार्ज में आती है एडवोकेट की अगर लीगल सर्विस होगी तो वो नोटिफाइड है अंडर रिवर चार्ज अगर ऑल अदर सर्विसेज अदर सर्विसेज ऑफ एडवोकेट होगा तो क्या उसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी आएगा हाँ फॉरवर्ड चार्ज में आएगा दूसरा सर्विस okay, एडवोकेट ने दिया होगा मे बी इंडिविजुअल एडवोकेट मे बी सीनियर एडवोकेट और मे बी फॉर्म ऑफ एडवोकेट ओके तो ही रिवर चार्ज लगेगा समझ लो अगर यहाँ पे सी एस सी एस सी एम ए होगा तो लीगल सर्विस दे रहा है पर सीएस होगा तो नहीं यहाँ फॉरवर्ड चार्ज लगेगा यहाँ रिवर चार्ज नहीं लगेगा तो लीगल सर्विस बाय द एडवोकेट होना चाहिए उसमें भी एडवोकेट कंपनी होगी तो फॉरवर्ड चार्ज है ओके okay, जहां तक ये देखा जाए तो रिवर चार्ज हम देख रहे हैं दूसरा सर्विस अप्लाइड टू बिजनेस एंटिटी होना चाहिए बिजनेस एंटिटी को दिया तो ही रिवर चार्ज है याद करो ओके okay, चलो आपको याद नहीं होगा तो मैं ले लेता हूँ आपको नहीं याद होगा आपने नहीं किया होगा तो मैं ले लेता हूँ okay, तो किस बात की फिक्र तो अब अगर आपको एग्जाम्शन वाला चार्ट याद होगा तो लीगल सर्विस में हमने क्या देखा था ठीक अरे यार किधर गया किधर गया आ जा आ बेटा आ जा चलो आ जा आ जा आ गया तो लीगल सर्विस वाला एग्जाम्शन साथ में देख लेना सा� अगर एडवोकेट सर्विस देता है और बिजनेस एंटिटी को देता है और उस बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्न ऑवर प्रसिडिंग फिनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड के नीचे होगा तो वो सर्विस एग्जम्ड रहेगी और रिवर चार्ज में भी टैक्स नहीं आएगा लेकिन अगर वो एडवोकेट सर्विस सुनिएगा वो एडवोकेट सर्विस या ओके बिजनेस एंटिटी को दिया और उसका टर्न और प्रसिडिंग फिनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा ओके okay, तो ऐसे केस में करंट ईयर में टैक्स आएगा और वो भी रिवर्स चार्ज में आएगा याद आ रहा है क्या ओके याद आ रहा है क्या और अगर एडवोकेट ने नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया तो एग्जाम है एडवोकेट ने गवर्नमेंट को दिया तो एग्जाम है एडवोकेट ने अनादर एडवोकेट को दिया तो वो केस में भी एग्जाम्ट है तो मेरा बस आपको क्या कहना मेरा बस आपको ये कहना है कि ये रिवर्स चार्ज भी और साथ साथ में आपने एग्जामेशन भी पढ़ लेना इसके साथ के तो आपका बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा ओके बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा समझा कि नहीं समझा समझा सर चलिए तो अब ये देखो हमने यहाँ पे देखा रिगार्डिंग टू एडवोकेट सर्विसेज अच्छा जो बिजनेस एंटिटी है वो टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए लास्ट कंडीशन मतलब अगर वो बिजनेस एंटिटी इंडिया के बाहर होगी तो रिवर्स चार्ज नहीं अप्लीकेबल होगा वो टैक्सेबल टेरिटरी में होगा तो रिवर्स चार्ज अपलीकेबल होगा उसके बाद में ओके नेक्स्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेटर ये जो होते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहा जाता है और ये आर्बिट्रेटर बिजनेस एंटिटी को इनर टैक्सेबल टेरिटरी सर्विस देंगे तो वो केस में रिवर्स चार्ज बिजनेस एंटिटी पे आएगा हाँ, अब गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में ओके थोड़ा आप यहां पे चेक कर लेना और अगर आपके नोट्स में करेक्शन करेक्शन नहीं हुआ होगा तो आपको देता हूं गवर्नमेंट सेक्टर का चार्ट चार्ट से समझा देता हूँ सर्विस गवर्नमेंट डायरेक्ट चार्ट पे आते ऑथोरिटी सप्लाई सर्विस बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और ये अगर आपका चार्ट यहाँ पे हाँ मैंने ये करेक्शन चार्ट में एक बार पहली प्रिंट होने के बाद दूसरे प्रिंट में किया है हो सकता है आपके पास चार्ट पहले प्रिंट का होगा अगर पहले प्रिंट का चार्ट होगा तो ये करेक्शन आपने कर लेना है इसका स्क्रीनशॉट आपने लेना है और अभी के अभी मेरे साथ इसको अपडेट कर देना है ओके सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट और लोकल ऑथोरिटी एंट्री फाइव और फाइव है अब देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑल सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट सुनिएगा तो ऑल सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट पहले क्या रखना कि गवर्नमेंट लोकल लोकलिटी कोई भी सर्विस देगी और वो सर्विस बिजनेस एंटिटी को देगी ओके इनर टैक्सेबल टेरिटरी तो पहला थॉट सारी सर्विसेज गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को देती है तो रिवर चार्ज है रिवर चार्ज है सुनो अब ध्यान से बिजनेस एंटिटी को देती है तो रिवर चार्ज है एक्सेप्ट पार्ट टू एंड पार्ट थ्री

ओके okay, मेरा एग्जन वाला लेक्चर रिवीजन का क्या होगा या आपने जो है ये जो है ये गवर्नमेंट वाला चार्ट देखा होगा गवर्नमेंट वाला चार्ट मैंने आपको रिवाइज किया था और ये एग्जामेशन में रिवाइज किया था तो देखो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है पूरा एक बार अच्छा समझ लो तो, अगर गवर्नमेंट दो टाइप की सर्विसेज मैंने क्लासीफाई की थी एक जनरल और एक स्पेशल अगर गवर्नमेंट पब्लिक को सर्विस देता है तो एग्जम्बन है गवर्नमेंट अगर जनरल पब्लिक को सर्विसेज देता है तो एग्जामेशन है टैक्सेबल कब आता है टैक्सेबल तब आता है जब वो बिजनेस एंटिटी को देता है और बिजनेस एंटिटी को देता है तो रिवर चार्ज में टैक्सेबिलिटी है ओके okay, चार्ज में भी टैक्सेबिलिटी है और उसमें भी उसमें भी जो बिजनेस एंटिटी को वो सर्विस दे रहा है उसका अगर एग्रीगेटन और प्रोसेडिंग फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड के नीचे होगा मतलब छोटी बिजनेस एंटिटी होगी तो उसको भी एक्समड है Okay, तो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो रिवर चार्ज है जनरल पब्लिक को दे रहा है तो एग्जामी है सवाल ही नहीं वहां पर रिवर चार्ज का ओके okay, ये पॉइंट समझा क्या समझा होगा तो वन टाइप करो समझा होगा तो वन टाइप करो हाँ लेकिन मैंने आपको एग्जामिशन में ये भी पढ़ाया था कि कुछ स्पेशल सर्विसेज है स्पेशल सर्विसेज में रिवर चार्ज अप्लाई नहीं होता है ये सर्विसेज अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा तो वो केस में फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स आएगा वो सर्विसेज किसी को भी दो पब्लिक को दो या बिजनेस एंटिटी को दो याद आ रहा है क्या तो यहाँ फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा मतलब कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कुछ ओके okay, ये सर्विसेज चुनिंदा सर्विसेज को छोड़ के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ये सर्विसेज होगी वो पब्लिक को दे छोटे बच्चे को दे या बिजनेस एंटिटी को दे वो फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स आएगा दूसरा एक अभी अमेंडमेंट हुई है सर्विस बायो रेलवे ओके इंडियन रेलवे अगर सर्विस दे रहा होगा तो वो फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स आएगा ओके okay, वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सर्विस होगा तो फॉरवर्ड चार्ज में ही आएगा और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स होगा जैसे एसी टिकट हुआ ओके एसी टिकट हुआ फर्स्ट क्लास का टिकट हुआ रेलवे में ओके okay, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स आएगा ये समझा क्या तो उसको ही मैंने यहां रिवर्स चार्ज में अरेंज करके दिया है अगर आप दोनों चार्ट पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल सही ढंग से समझेगा कि भाई गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज़ बिजनेस एंटिटी को दिया तो ओके रिव, रिवर चार्ज होगा पर उसमें भी छोटी बिजनेस एंटिटी होगी बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ तो वहाँ एग्जाम्शन है लेकिन पार्ट टू की अब पार्ट टू की सर्विसेज कौन सी तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज और इंडियन रेलवे अब इंडियन रेलवे आपके नोट्स में नहीं होगा तो ऐड कर देना ओके सर्विस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड एंडियन रेलवे नहीं होगा तो ऐड कर देना तो इंडियन रेलवे होगा तो यहाँ अप्लाई नहीं होगा वेसल और एयरक्राफ्ट से होगा, आप आप पैसेंज होगा तो यहां पे जो है okay, charge, FC, FC मतलब फॉरवर्ड चार्ज इज अपल एंड गवर्नमेंट इज लाइबल टू पे टैक्स ओके ये समझा क्या समझा होगा तो फटाफट टू टाइप करो ओके okay, तो गवर्नमेंट फिर ये सर्विस किसी को भी दे इसलिए मैंने हमारे एग्जाम के चार्ट में इसको स्पेशल में डाल दिया कि पोस्ट की सर्विस इंडियन रेलवे की सर्विसेज वेसल और एयरक्राफ्ट की सर्विसेज ये किसी को भी दे तो भी फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स आएगा और अब बात करते हैं रेंटिंग ऑफ इमोएबल प्रॉपर्टी इसको मैंने थोड़ा अलग कर दिया अगर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमोएबल प्रॉपर्टी सर्विसेज दे रही है रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है गवर्नमेंट अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है तो वो केस में अब यहाँ पे अमेंडमेंट क्या हुई इंडियन रेलवे होगा तो फॉरवर्ड चार्ज अब दिमाग में फिट कर देना कि इंडियन रेलवे होगा तो वहाँ फॉरवर्ड चार्ज ही अपलीकेबल होगा हाँ अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा तो वो केस में ओके अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा तो वो केस में अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो रिवर्स चार्ज है रेटिंग सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो रिवर्स चार्ज है और अनरजिस्टर्ड को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज है यानी रेंटिंग बाय द गवर्नमेंट ये तो टैक्सेबल होगी ही होगी रेंटिंग बाय द गवर्नमेंट ये टैक्सेबल होगी होगी बस इतना है कि इंडियन रेलवे में दिया ये डिपार्टमेंट दिया तो फुल्ली टैक्सेबल है और अदर गवर्नमेंट ने दिया तो रजिस्टर्ड को दिया तो रिवर्स चार्ज है अनरजिस्टर्ड को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज गवर्नमेंट में टैक्स देगी और उसके बाद में सेम प्रोविज़न पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को अप्लीकेबल है अब सेम प्रोविज़न पार्लियामेंट कोर्ट मतलब मतलब अगर कोर्ट अगर कोर्ट है और कोर्ट अपने सामने लॉयर्स को कैबिन बना के दे रहा है तो अगर कोर्ट कैबिन बना के दे रहा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ओके कोर्ट की प्रॉपर्टी है और वो कैबिन बना के दे रहा है और वो कैबिन जो बना के दे रहा है रजिस्टर्ड को दिया जा रहा होगा तो यहाँ पे रिवर चार्ज होगा रजिस्टर्ड को दिया जा रहा होगा तो रिवर चार्ज होगा ओके और अनरजिस्टर्ड को दिया होगा तो कोर्ट टैक्स पे करेगा या कोई भी सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दी जा रही होगी ओके okay, और ये अगर वो यहाँ पे एग्जम्प्ट नहीं होगी या फिर वो सप्लाई के बाहर नहीं होगी तो वो केस में ये प्रोविजन अप्लीकेबल किया जाएगा ओके okay, तो चलिए आपके इसमें अपडेटेड चार्ट होगा तो ठीक नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ये जो है आप यहाँ पे इसको आज के आज कंप्लीट कर लेना समझा होगा तो लाइक कीजिएगा और फटाफट थ्री थ्री टाइप कीजिएगा ये चार्ट का स्क्रीनशॉट निकाल लो और ये चार्ट वहां ओके okay, बना के वापस लगा देना वहां बना के वापस लगा देना डन चलो अब आ जाओ आप इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर पे अब आ जाओ आप इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर पे राइट साइड में ओके इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर दिखा आपको चलिए तो अब इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में ये तो बहुत सिंपल है ओके okay, इंश्योरेंस इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में यहां पे देखो अगर एजेंट ने सर्विस दिया होगा और इंश्योरेंस कंपनी को दिया होगा और पर्सन कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस मतलब इंश्योरेंस कंपनी को दिया होगा तो वो केस में इंश्योरर कैरिंग लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस रिवर चार्ज में इंश्योरेंस कंपनी पे रिवर चार्ज आएगा लाइबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी पे आएगी तो इन शॉर्ट ओके वो एजेंट होना चाहिए और उसने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दिया होगा तो रिवर चार्ज एप्लीकेबल होगा दूसरा रिकवरी एजेंट ओके तो ये सारा एजेंसी सेक्टर है रिकवरी एजेंट ओके तो सर्विस बाय रिकवरी एजेंट टू बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी इन टैक्सेबल टेरिटरी ओके रिकवरी एजेंट मतलब क्या बहुत सी बैंक्स जो है ओके okay, अपना अनपेड अमाउंट रिकवर करने के लिए एजेंट्स लगाती है ओके okay, तो जैसे बहुत सी आईसीआईसी बैंक है एच बैंक से या बहुत सारी बैंक्स है कि जिन, जो लोग पैसा नहीं दे रहे इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे तो उनसे पैसा रिकवर करने के लिए एजेंट्स लगाती है और एजेंट्स फिर परेशान करते हैं फोन करते हैं धमकी देते हैं नोटिस देते हैं okay, ओके जिसका अनपेड अमाउंट है तो ऐसे केस में और पैसा रिकवर करके देता है तो एजेंट उसका कमीशन लेता है तो वो एजेंट बैंक को सर्विस दे रहे हैं सर्विस क्या दे रहे हैं लोगों को धमका रहे ओके लोगों को नोटिस दे रहे हैं लीगल नोटिस का धमकी दे रहे हैं ओके तो ओके बहुत सारे तो गुंडे होते हैं वाट इट में भी तो वो ये सर्विस दे रहे हैं बैंकों और बैंक का पैसा निकाल के दे रहे हैं तो इंडिया का कोई भी रिकवरी एजेंट अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है उनकी रिकवरी करके दे रहा है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को सर्विस दे रहा है तो ये केस में उनका जो कमीशन होगा ओके वो कमीशन का टैक्स रिकवरी एजेंट नहीं कौन देंगे बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी उनका टैक्स देगी समझा क्या समझा होगा तो बोलिए यस सर समझ में में आया उसके बाद मेंबर्स ऑफ ओवरसिंग कमेटी आई रिपीट ओके तो ये मेंबर्स ऑफ ओवरसिंग कमेटी जो है यहां पर मतलब ये क्या होता है मेंबर्स ऑफ मतलब क्या जब इंडिया में बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए जैसे विजय माल्या का हुआ नीरव मोदी का हुआ ओके उसके बाद में और बड़े बड़े स्कैम हुए स्कैम कैसे हुए ओके बाहर की बैंक से लोन उठाना इंडियन बैंक की गारंटी देना ओके okay, तो इंडियन बैंक की गारंटी लेना और बाहर से बहुत सारा लोन उठा के उठा के रख लेना तो ऐसे सिचुएशन में जब यहाँ पे आरबीआई को ये समझा कि यार बाहर से फाइनेंस किया जा रहा है और इंडियन बैंक की गारंटी दी जा रही है तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने क्या किया एक कमेटी बनाई और कमेटी का काम यह है कि जो भी बाहर से फाइनेंसिंग करेगा लोन करेगा उनके ऊपर वॉच रखा जाए और वो कौन सा एक्टिविटी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं इस सभी पॉइंट का उन पर ध्यान रखा जाए और वो सारी डेटा जो है आर को प्रोवाइड करते हैं तो बाहर का अगर कोई और कमेटी और uh, सॉरी वो कमिटी होगी और बाहर की कोई इंफॉर्मेशन आरबीआई को सर्विस दे रही होगी तो वो केस में उनके जो चार्जेस हो गए उसका टैक्स ओरसिंग कमिटी पे नहीं करेगा उसका टैक्स रिवर्स चार्ज में कौन पे करेगा तो रिवर्स चार्ज में आरबीआई पे करेगा ओके okay, तो पर्सन लायबल टू पे टैक्स कौन रहेगा तो पर्सनल लायबल टू पे टैक्स यहां पे आरबीआई रहेगा ये समझ में आया क्या आपको ओके okay, तो लाइबिलिटी टू ये जो लास्ट में लिख रहा हूँ मतलब लाइबिलिटी टू पे टैक्स ये लास्ट वाला मतलब लाइबिलिटी टू पे टैक्स समझा होगा तो यस टाइप कीजिएगा नाउ अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट डी एस ओके ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स कौन होते हैं ओके okay, बैंक के बहुत सारे लोन्स होते हैं ऑटो लोन होते हैं होम लोन होते हैं मशीनरी लोन होते हैं वर्किंग कैपिटल ओडी वगैरह टाइप के लोन्स होते हैं और बैंक ओके okay, लिबरलाइजेशन के बाद और ओपन इकोनॉमी के बाद 1995 नैंटी के बाद बैंक जो है ओके okay, बाहर की सर्विस ले रही है टू प्रमोट देयर लोन्स यानी बहुत सारे ओके डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अपॉइंट कर रही है और ये बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स मतलब कि बैंक के लोन को वो प्रमोट करेंगे ओके okay, लोगों तक तो लेके जाएंगे और ओके okay, अच्छे लोगों को ढूंढ के लाएंगे जहां बैंक लोन दे सकती है इसलिए कभी आप अगर शोरूम में जाते हो बाइक खरीदने कार खरीदने तो वहाँ बहुत बहुत सारे आई सी या एच के काउंटर्स आपको दिखते हैं लेकिन क्या वो एक बैंक के एम्प्लॉय होते हैं नहीं वो बैंक के एजेंट्स होते हैं जो बैंक के लोन प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो ऐसे केस में अगर ओके okay, डीएसए जिसको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अगर डीएसए इंडिविजुअल होगा ख्याल रहे है. अगर डीएसए इंडिविजुअल होगा ओके अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और एल एल पी ओके तो रिवर्स चार्ज कब लगेगा रिवर्स चार्ज तब लगेगा जब डीएसए इंडिविजुअल है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी है और लेने वाला बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी है तो हु इज लाइबल टू पे टैक्स तो बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी इज लाइबल टू पे टैक्स इज लाइबल टू पे टैक्स समझ में आए तो रिवर्स चार्ज कब हो, होगा सप्लायर इंडिविजुअल होना जरूरी है अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट होगा पार्टनरशिप फॉर्म होगा एल एल पी होगा तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा ओके सर्विस बैंकिंग और एन बी एफ सी को ही जाना जरूरी है हाँ यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ बैंकिंग और एन बी एफ सी को ही सर्विस होगी तो रिवर्स चार्ज अगर ये एफ आई या एनी अदर पर्सन को सर्विस होगा तो रिवर्स चार्ज नहीं होगा और दूसरा रिसिपेंट लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी अगर ये सारी कंडीशन अप्लीकेबल होती है तो वो केस में यहाँ पे रिवर्स चार्ज अप्लाई किया जाएगा चलिए उसके बाद में बिजनेस फैसिलिटेटर बिज़नेस फैसिलिटेटर क्या होता है तो समझ लो ये सर्विसेज जो बिज़नेस फैसिलिटेटर की सर्विसेज है ओके okay, यहाँ एक चार्ट से मैं आपको समझाना चाहूंगा ओके okay, दो लोग होते हैं एक बिज़नेस फैसिलिटेटर और एक होता है बिज़नेस करस्पोंडेंट बिजनेस फैसिलिटेटर कौन होता है ओके okay, ये जो है बैंक के बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं सिर्फ जैसे डीएसए डीएसए सिर्फ लोन को प्रमोट करता है पर बिज़नेस फैसिलिटेटर जो है वो बैंक के सेविंग अकाउंट्स उसके बाद में बैंक के लोन बैंक की एफ या बहुत सारे बैंक के जो Services है उनको गांव गांव तक लोगों लोगों तक पहुंचाते हैं इसका स्पेशल लाइसेंस मिलता है जिसको है जिसको कहा जाता बिजनेस बिजनेस फैसिलिटेटर और वही सिमिलर ग्राउंड पे काम करता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट मतलब क्या होता है बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जो बैंक को प्रमोट करती है जैसे अभी यस yes बैंक ने बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन को अपॉइंट करके रखा है कि वे यस yes बैंक के प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए एफ प्रमोट किया जाए कॉर्पोरेट लेवल पर एफ प्रमोट किया जाए ओके okay, और उसके बाद में यहाँ पे आ, बैंक के क्रेडिट वर्दीनेस देखा लोगों का क्रेडिट वर्दीनेस देखा जाए बैंक फाइनेंस के लिए तो वो बहुत सारे काम करते हैं तो ऐसे केस में बिजनेस फैसिलिटेटर ये छोटे इंडिविजुअल्स होते हैं या छोटी कंपनीज होती है छोटे एलएलपीज़ होते हैं मतलब

बिजनेस के फैसिलिटेटर देगा तो रिवर चार्ज होगा इसमें भी एक एग्जम्शन है अगर ये बिजनेस फैसिलिटेटर या करस्पॉन्डेंट रूरल एरिया में रूरल एरिया में बैंक के प्रोडक्ट को प्रमोट कर लिए तो एक्जम्पन है तो वो केस में फिर आरसीएम नहीं लगता है अर्बन एरिया में टैक्स लगता है और फैसिलिटेटर होगा तो रिवर चार्ज करस्पॉन्डेंट होगा तो रिवर चार्ज नहीं हुआ वो फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा लेकिन एक और दूसरा रिवर चार्ज है कौन सा दूसरा रिवर चार्ज है करस्पॉन्डेंट अगर बैंक को सर्विस देगा तो फॉरवर्ड है पर करस्पॉन्डेंट अपनी सर्विस देने के लिए एजेंट्स लगाता है ओके okay, मतलब क्योंकि ये तो इंस्टीट्यूशन है बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है अपनी सर्विस देने के लिए एजेंट्स लगाता है तो एजेंट्स जो लगाता है और वो एजेंट्स बिजनेस को सर्विस देंगे सुनिएगा वो एजेंट अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस देंगे तो वो एरिया में यहाँ पे रिवर चार्ज अपलीकेबल होगा वो एरिया में रिवर चार्ज अप्लीकेबल होगा तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा यहाँ ओके बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंकिंग सर्विस को सर्विस दे रहा है तो रिवर चार्ज होगा ओके okay, उसके बाद में एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पोंडेंट हाँ, दूसरा देखो यहाँ पे एजेंट्स ऑफ बिजनेस करस्पोंडेंट अगर एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पोंडेंट होगा ओके और वो सर्विसेज दे रहा होगा किसको दे रहा होगा बिजनेस करस्पोंडेंट को दे रहा होगा तो वो केस में रिवर्स चार्ज अपलीकेबल होगा ये समझा क्या बेटा यस और नो प्लीज बताओ ये समझा या नहीं समझा प्लीज बताओ चलिए अब आ जाओ अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज सेक्टर कुछ ऐसे सेक्टर लेता हो जहां अनऑर्गेनाइज है सप्लायर अनऑर्गेनाइज है और लेने वाला ऑर्गेनाइज है ओके चलिए यहां पे हम सबसे पहले लेते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विस ओके हाँ ये गवर्नमेंट की कन्वीनियंस है कि सप्लायर अनऑर्गेनाइज है उनसे टैक्स लेना कहां उनके पीछे पड़ते हैं भाई ओके okay, जो सर्विस लेने वाला है वो ऑर्गेनाइज है उनके पीछे पड़ो तो पहला लेते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विस बाय एनी पर्सन ओके टू बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी अगर सर्विस स्पॉन्सरशिप सर्विस होगी सर्विस देने वाला कोई भी हो ध्यान रहे स्पॉन्सरशिप सर्विस में सर्विस देने वाला कोई भी हो इंडिविजुअल हो हो पार्टनरशिप फर्म हो कंपनी हो बॉडी कॉर्पोरेट हो आपको सप्लायर नहीं देखना आपको रिसिपियन देखना है और रिसिपियन कौन रिसिपियन बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म होगी इन अ टैक्सेबल टेरिटरी तो रिवर चार्ज होगा तो सबसे पहले रिवर चार्ज अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो रिवर्स चार्ज और इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फॉरवर्ड चार्ज सब ओके okay, सर्विस स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए अगर एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग सर्विस है तो वहां रिवर रिवर्सरशिप कोई इवेंट इवेंट को को पैसा दिया गया गया ओके किया तो वो स्पॉन्सरशिप सर्विस होनी चाहिए सप्लायर एनी पर्सन होना चाहिए रिसिपियन रिसिपियन पे बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म होगी तो रिवर चार्ज एल पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूड्स एलएलपी इन जीएसटी तो जीएसटी में पार्टनरशिप फॉर्म में एलएलपी भी, भी आ जाता है और दूसरा अगर रिसिपियन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है ओके इंडिविजुअल है ओ है ट्रस्ट वगैरह पर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म नहीं है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा ओके रिवर्स कब लगेगा जब लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म होगा ओके okay, और थर्ड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी होगा ओके okay, यानी इंडिया में होगा तो ही रिवर्स चार्ज अगर बाहर वाला स्पॉन्सरशिप सर्विस ले रहा है ओके okay, हम स्पॉन्सरशिप सर्विस बाहर वाले को दे रहे हो तो वहां रिवर्स चार्ज नहीं वहां फॉरवर्ड चार्ज आएगा तो ये हमने देखा यहाँ पे ओके okay, जहाँ तक है रिवर्स चार्ज उसके बाद में डायरेक्टर ऑफ कंपनी ध्यान से देखिएगा तो डायरेक्टर ऑफ कंपनी यहाँ पे हाँ अगर कोई डायरेक्टर अपने बॉडी कॉर्पोरेट ओके यानी कंपनी को सर्विस दे रहा है तो रिवर चार्ज में बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स देगा अब ये केस में इस बार एक क्लैरिफिकेशन है क्लैरिफिकेशन के साथ एक चार्ट लेता हूं बाद में आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो अब देखिए यहां पे डायरेक्टर सर्विस टू कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट अगर डायरेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सुनिएगा डायरेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने कंपनी को और वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और उसको जो रेमुनरेशन रेमुनरेशन मिल रहा है वो पे टीडीएस सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्ट हो रहा है अगर उसका टीडीएस सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्ट हो रहा है तो फिर तो वो सप्लाई नहीं क्यों क्योंकि वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ओके यहाँ पे पैरा वन ऑफ शेड्यूल थ्री के हिसाब से उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा दूसरा दूसरा पार्ट हम यहाँ पे ये यह देखते हैं कि अदर सर्विस बाय द डायरेक्टर अगर कोई ऐसी सर्विस है जो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है जैसे सिटिंग फीस हुआ डायरेक्टर की सर्विस है या स्पेशल रेम्यनरेशन है अगर उसका टीडीएस सेक्शन वन जे में डिडक्ट हुआ होगा सुनिएगा उसका टीडीएस अगर सेक्शन वन जे में डिडक्ट हुआ होगा तो वो केस में यहां पे अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा होगा तो रिवर्स चार्ज में जीएसटी आएगा और आरसीएम एप्लीकेबल होगा और रिसिपेन लायबल होगा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स उसके बाद में इफ सर्विस इज प्रोवाइडेड टू इन अ पर्सनल कैपेसिटी इस बार का एक क्लैरिफिकेशन है ओके और इस पे क्वेश्चन छोटा सा आ सकता है अब एक क्लैरिफिकेशन क्या है नो no डाउट अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है और जिसका टीडीएस सेक्शन वन जे में डिडक्ट होगा वन जे में डिडक्ट होगा तो वो इस पर टैक्स आएगा और रिवर चार्ज में कंपनी टैक्स देगी जैसा सिटिंग फीस होगा कोई डायरेक्टर रेमुनरेशन होगा या ओके okay, कोई ऐसा सर्विस जो डायरेक्टर कंपनी को दे रहा है तो रिवर चार्ज में टैक्स आएगा पर एक एक, एक क्लैरिफिकेशन इस बार ऐसा है कि अगर कोई डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है और वो सर्विस इन अ पर्सनल कैपेसिटी दे रहा है ओके पर्सनल कैपेसिटी दे रहा है तो वो सिचुएशन में चार्ज अपलीकेबल नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल ओके डायरेक्टर जो है अपनी प्रीमाइस कंपनी को रेंट पे दे रहा है अब वो अपनी प्रीमाइसिस कंपनी को जो रेंट पे दे रहा है वो पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा है वो डायरेक्टर नहीं होता तो भी रेंट मिलता है okay, ओके उसके डायरेक्टर होने जे, होने की वजह से रेंट नहीं आ रहा है हाँ डायरेक्टर होने की वजह से सीटिंग फीस आ रही है हो सकता है डायरेक्टर होने की वजह से कोई अदर रेमुनरेशन आ रहा है उसको लेकिन जहां तक देखा जाए ओके रेंटिंग रेंट डायरेक्टर होने की वजह से नहीं आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी है भाई Okay, उसके वजह से आ रहा है अब समझ लो मैं मेरे कंपनी का डायरेक्टर हूं और मैं फैकल्टी के पैसा लेता हूं मैं मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पैसा ले रहा हूँ ओके okay, भाई मैं डायरेक्टर नहीं भी होता तो भी पढ़ाने का पैसा लेता तो ये डायरेक्टर नहीं भी होता और पढ़ाने का पैसा लेता तो ये केस में सुनिएगा ये केस में ये मेरी पर्सनल कैपेसिटी है और रेंटिंग हुआ रेंटिंग ऑफ इमुएबल आईपी मतलब इमुएबल प्रॉपर्टी या अगर मैं कोई अपने पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दे रहा हूं तो गवर्नमेंट कहती है वहां रिवर चार्ज अपलीकेबल नहीं होगा वहां पे फॉरवर्ड चार्ज अपलीकेबल होगा अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में होगा इसका फायदा क्या हुआ इसका सबसे बड़ा फायदा मेरे को हुआ है ओके क्या होता था कि अभी तक रिवर चार्ज में कोई भी सर्विस मैं कंपनी को दे रहा हूं तो रिवर चार्ज लग रहा है तो मुझे आईटीसी नहीं मिलते थे मेरे सर्विस के लिए मेरे अंडर में मैं लैपटॉप खरीद रहा हूँ बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीद रहा हूँ या फिर मैं जो है बहुत सारी मेरे अंदर रिसर्च असिस्टेंट है आपके डाउट सॉल्व करने के लिए उनकी सर्विसेज ले रहा हूँ एडिटिंग सर्विस ले रहा हूँ तो मुझे मुझे क्रेडिट नहीं मिलते थे क्यों क्योंकि रिवर चार्ज में था लेकिन ये क्लैरिफिकेशन का फ़ायदा बहुत लोगों को हो गया अब क्या हो गया कि फॉरवर्ड चार्ज आ गया यानी डायरेक्टर जो है डायरेक्टर ये प्रूव कर दे कि ये सर्विस इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर नहीं है इन द कैपेसिटी पर्सनल कैपेसिटी में है ओके तो वो केस में वो फॉरवर्ड चार्ज में ले सकता है और उसका आई भी ले सकता है ओके okay, उसका रिव्य okay, आई भी ले सकता है तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए बेटा तो ये वाला पार्ट पेज आपको छोटा सा क्वेश्चन आएगा चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये चार्ट बना लेना चार्ट बना के यहाँ अटैच कर देना डायरेक्टर वाला डन डना डन डन यस और नो चलिए दोस्तों तो ये हमने देखा ओके okay, यहाँ पे कि डायरेक्टर अगर सर्विस दे रहा है कंपनी को तो रिवर्स चार्ज होगा उसके बाद में अब आ जाओ नेक्स्ट सिक्योरिटी सर्विसेज नेक्स्ट आ जाओ सिक्योरिटी सर्विसेज ओके सिक्योरिटी सर्विसेज मतलब सप्लाई सिक्योरिटी सर्विस बाय बायर पर्सनल मतलब सिक्योरिटी सर्विस मतलब सिक्योरिटी गार्ड जिसमें पर्सन सप्लाई किए जा रहे हैं ओके पर्सन सप्लाई किए जा रहे हैं मतलब बाउंसर सप्लाई हो रहे हैं वॉचमैन सप्लाई हो रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई हो रहे हैं ओके okay, तो जेड सिक्योरिटी दी जा रही है तो इंडिया का ओके okay, सर्विस है और वो है सिक्योरिटी सर्विस जिसमें पर्सनल सप्लाई हो रहा है सप्लाई हो रहे हैं है, और सप्लाई बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ओके सप्लाई बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और टू अ रजिस्टर्ड पर्सन सुनिएगा और ये सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी को दिया जा रहा है ओके अदर देन गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी हुई इज रजिस्टर्ड ओनली फॉर हुई रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन टेन हाँ हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन टेन यानी कंपोजिशन डीलर यानी कंपोजिशन डीलर लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी तो देखिए ध्यान सुनिएगा अगर कोई सिक्योरिटी सर्विसेज बायो पर्सनल सप्लाई कर रहा है सिक्योरिटी गार्ड सर्विस दे रहा है वॉचमैन प्रोवाइड कर रहा है बाउंसर्स प्रोवाइड कर रहा है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है वॉटर इट में भी ठीक है सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए लेने वाला कोई भी पर्सन अंडर जीएसटी होगा अदर देन गवर्नमेंट और लोकल ऑथोरिटी जो टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है और कंपोजिशन डीलर वाले दो एक्सेप्शन है रजिस्टर्ड पर्सन को दो एक्सेप्शन है गवर्नमेंट जो सिर्फ टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है और दूसरा कंपोजिशन डीलर ओके अगर इनको दिया होगा तो रिवर्स नहीं फॉरवर्ड होगा तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन उसका टैक्स देगा तो यहां पे ध्यान दीजिएगा सर्विस सप्लाइड सिक्योरिटी पर्सनल मतलब अगर आपकी सिक्योरिटी सर्विस होगी एज अ डॉग स्ने सीसीटीवी इन्वेस्टिगेशन तो वहां रिवर्स चार्ज अपलीकेबल नहीं होगा दूसरा सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ओके okay, कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो फॉरवर्ड चार्ज अपलीकेबल होगा और रिसिपियन रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी हाँ लेकिन अगर रिसिपियट अनरजिस्टर्ड होगा तो फॉरवर्ड चार्ज है रिसिपियन रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट होगा एंड रजिस्टर ओनली फॉर द डिडक्टिंग टी तो फिर फॉरवर्ड चार्ज है रिवर चार्ज अप्लाई नहीं होगा या सेक्शन टेन के रिसिपियन हो गए यानी कंपोजिशन डीलर वाले रिसिपियंट हो गए तो फॉरवर्ड चार्ज अप्लीकेबल होगा तो ये था रिगार्डिंग टू यहां पे बेटा ओके सिक्योरिटी सर्विसेस इस पर क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट करके जाना ओके okay, यहाँ पे हमने देखा रिगार्डिंग टू सिक्योरिटी सर्विसेज अब मैं कॉपीराइट सर्विसेज पे आता हूँ और कॉपीराइट सर्विसेज चार्ट से एक्सप्लेन करता हूं अगर ये चार्ट से आपको समझ में आया तो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना ओके ये चार्ट से वैसे भी वहां मैंने पॉइंट वाइज मैनर में दिया है अब देखो कॉपीराइट सर्विसेज यहाँ पे ले लेता हूँ कॉपीराइट सर्विसेज दो एंट्री में कवर्ड है एंट्री नंबर नाइन और एंट्री नंबर नाइन है अब देखो एंट्री नंबर नाइन क्या कहता है अगर सप्लायर सप्लायर म्यूजिक कंपोजर होगा फोटोग्राफर होगा आर्टिस्ट होगा म्यूजिक कंपोजर फोटोग्राफर और आर्टिस्ट होगा और सर्विस लेने वाला ध्यान से सुनिएगा सर्विस लेने वाला यहां पे म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर होगा और सर्विस है ओरिजिनल ड्रामेटिक आर्टिस्टिक वर्क ओके इसका कॉपीराइट सर्विस है सर्विस ऑफ सर्विस किसका ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क ओरिजिनल म्यूजिक वर्क या ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क इसका कॉपीराइट दिया गया तो अगर कोई म्यूजिक कंपोनर ने म्यूजिक कंपनी को जो ओरिजिनल म्यूजिक उसने बनाया उसका कॉपीराइट दिया गया ओके नो डाउट यहां पे कॉपीराइट दिया गया कॉपीराइट दिया गया या कोई आर्टिस्टिक वर्क है उसका कॉपीराइट दिया गया प्रोड्यूसर या म्यूजिक कंपनी को ओके okay, तो जो ओरिजिनल होगा तो रिवर चार्ज में म्यूजिक कंपनी प्रोड्यूसर और लाइक इनर टैक्सेबल टेरिटरी ओके ये रिवर चार्ज में टैक्स देंगे यहां कोई फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन नहीं है रिवर चार्ज ही लगेगा और रिसिपियंट ही टैक्स देगा अगर वो ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क के कॉपीराइट हो गए लेकिन एंट्री नंबर क्या कहता है एंट्री नंबर कहता है कि अगर सप्लायर ऑथर है सुनिएगा अगर सप्लायर ऑथर है और सर्विस कॉपीराइट होगी और कॉपीराइट राइट किसका okay, कॉपी कॉपीराइट किसका ओरिजिनल लिटररी वर्क मतलब ऑथर लिटरी वर्क लिखा गया चेतन भगत या मैं जीएसटी पे बुक लिख रहा हूं और वो ओरिजिनल लिटरी वर्क का कॉपीराइट होगा

कि भाई ही विल पे टैक्स अंडर मतलब फॉरवर्ड चार्ज वो सारे कंप्लायंस करेगा और यहां रखेगा रिवर्स नहीं करेगा ये डिक्लेरेशन कमिश्नर को देगा कि भाई मैं फॉरवर्ड चार्ज में लेना चाहता हूं मैं सारे कंप्लायंस करूंगा और एक साल तक रखूंगा और दूसरा डिक्लेरेशन वो इनवाइस में देगा कि फॉरवर्ड चार्ज है पर क्या रहे कौन सी कॉपीराइट सर्विस को फॉरवर्ड चार्ज में आने का ऑप्शन है ऑथर वाली जो लिटरी वर्क है अगर आपका कॉपीराइट ड्रामेटिक म्यूजिकल या आर्टिस्टिक वर्क होगा तो यहां फॉरवर्ड चार्ज में आने का ऑप्शन नहीं है यहां फॉरवर्ड चार्ज में आने का ऑप्शन नहीं है रिवर्स चार्ज ही लगेगा और रिसिपियन को ही टैक्स देना पड़ेगा हाँ तो अगर एग्जाम में प्रॉब्लम आया तो प्रॉब्लम आया और ऑथर वाला प्रॉब्लम आया तो इसमें पहला थॉट तो यही लिखना कि रिसिपियन पब्लिशर इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज पहला थॉट बट बट अगर ये ऑथर सारी कंडीशन फुलफिल करता है तो फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन उसको मिलेगा आपको अगर ये चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो और समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर और लाइक ठोको समझा होगा तो लाइक ठोको डन चलो स्क्रीन ले लिया आपने आपके पास होगा तो अच्छी बात है स्क्रीन लिया होगा तो भी अच्छी बात चलिए अब आ जाइए आप नेक्स्ट रिवर्स चार्ज पे और नेक्स्ट रिवर्स चार्ज रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के रिलेटेड हमने बहुत अच्छे से रिवाइज किया मेरे एग्जामिशन में ओके okay, एग्जामेशन के रिवीजन देखोगे तो मेरे एग्जामेशन के रिवीजन में मैंने बहुत अच्छे से उसको रिवाइज किया है तो तभी दो मिनट में फिर से रिवाइज कर देता हूँ देखो चार्ज कहाँ पे है अगर आपने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दिया रजिस्टर्ड पर्सन को तो रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दिया तो ही चार्ज होगा इसका एक एक्सेप्शन जो मैंने एग्जामिशन में पढ़ाया कि अगर सर्विस लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन वो प्रोपराइटर होगा और अपने पर्सनल कैपेसिटी में ले रहा होगा तो वहां पे एग्जाम्शन मिल जाएगा तो वो केस में रिवर्स चार्ज नहीं आएगा दूसरा मैंने एक पॉइंट आपको एग्जाम्शन में बताया था कि आ, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेसिडेंशियल ड्वेलिंग देते हो तो वो केस में है लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन ने रेसिडेंस के लिए यूज करना चाहिए अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने अदर देन रेजिडेंस के लिए यूज किया मे बी ऑफिस या कमर्शियल पर्पज के लिए तो वो सिचुएशन में वहां पे एग्जम्शन नहीं मिलेगा और टैक्स आएगा फिर एक सवाल होगा कि वो टैक्स जो हम अनरजिस्टर्ड को ऑफिस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं वहां टैक्स क्या आएगा तो रिवर चार्ज नहीं फॉरवर्ड चार्ज रिवर चार्ज तभी लगेगा जब रजिस्टर्ड को दिया गया अगर अनरजिस्टर्ड के केस में टैक्सीबिलिटी आ रही है बिकॉज ऑफ ऑफिशियल या अदर पर्पज़ तो वो केस में फॉरवर्ड चार्ज होगा और लैंड लॉर्ड यहाँ पर टैक्स देगा तो वही मैंने टेबल में एनालिसिस दिया है अगर आप देखते हो तो अगर एनी पर्सन सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को ही देगा तो ही रिवर्स चार्ज होगा आरसीएम में लाइबिलिटी आएगी नाउ जैसे अगर आपकी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है रेसिडेंस लिए दिया अनरजिस्टर्ड को दिया तो एग्जम्ड है अगर रेसिडेंस है रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो रिवर्स चार्ज है इसमें भी एक एक्सेप्शन है प्रोपराइटी कंसर्न अगर पर्सनल कैपेसिटी में लेता है तो एक्जन है अगर प्रॉपर्टी आपकी रेसिडेंशियल है और कमर्शियल पर्पज के लिए दिया रजिस्टर्ड को दिया तो रिवर्स चार्ज है और अनरजिस्टर्ड को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज है क्योंकि रिवर चार्ज सिर्फ रजिस्टर्ड के केस में लगता है अनरजिस्टर्ड को दिया और कमर्शियल पर्पज के लिए तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा और कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो ये रिवर चार्ज सिर्फ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का है ओके कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो तो ये रिवर चार्ज नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में वहां फॉरवर्ड चार्ज लगेगा ना उसके बाद में अदर सर्विस सेक्टर अदर सर्विस सेक्टर में लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी होगी तो बॉर तो वो केस में बॉरोवर पे रिवर चार्ज आएगा इंपोर्ट सर्विस होगी तो अगर सर्विस बाहर से इंडिया में आती है इंपोर्ट सर्विस जब आप छोटे बच्चे थे तब से ही आपको पता है कि सर्विस इंपोर्ट की होती है तो रिवर्स चार्ज और लाइब्रेटी पर्सन लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी उसके ऊपर है लेकिन इसका एक एक्सेप्शन एक है एन टी ओ आर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपियन प्लेस ऑफ सप्लाई में ये पड़ा होगा अगर सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के बाहर है और वो ओ आई डी ए आर सर्विस दे रहा है और वो ओ आई डी आर सर्विस एन टीओिक ओ आई डी आर सर्विस नहीं बाहर का बंदा फॉरवर्ड चार्ज में इंडिया में टैक्स देगाक्शन फोर्टीन ऑफ आई जी एस टी एक्ट में कवर्ड है जो हम प्लेस ऑफ सप्लाई में रिवाइस करेंगे उसके बाद में कुछ सर्कुलर जो है इस बार आपको ऐड हुए हैं और ये जो सर्कुलर ऐड हुए हैं इसमें क्वेश्चन सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर ओके okay, ख्याल रहे सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दोनों में फर्क है रिवर चार्ज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को है अगर कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस लेता है मोटर व्हीकल तो वो रिवर चार्ज में नहीं है ओके okay, तो यहाँ पे आर वुड वो ऑन रेंटिंग ऑफ व्हीकल इफ बॉडी कॉर्पोरेट यूज द मैनर एज लाइक सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट विद द पर्सन प्रोवाइडिंग व्हीकल ऑन रेंट अगर वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी तो वहाँ रिवर चार्ज अप्लाई नहीं होगा और एक जो मैंने डायरेक्टर वाला आपको बताया कि अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में डायरेक्टर अगर कोई सर्विस देगा पर्सनल कैपेसिटी में तो वहाँ रिवर चार्ज अपलीकेबल नहीं होगा तो इन दिस वे हमने रिवर चार्ज के सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स चार्ज देख लिए कोई बाकी होगा तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो अब आते हैं नाइन फाइव पे नाइन फाइव क्या कहते हैं नाइन फाइव सबसे पहले तो स्पेसिफाइड सर्विसेज को लगता है बेटा मतलब इसमें सारी सर्विसेज नहीं आती गवर्नमेंट जो स्पेसिफाई करेगी सर्विसेस वो आएगी दूसरी बात आपको कह दू कि नाइन फाइव जो ई है ओके ये गुड्स को अप्लीकेबल नहीं है ये सिर्फ सर्विसेस को अप्लीकेबल है और ओके ये सर्विसेस अगर ई के थ्रू दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दिया गया तो वो केस में ई टैक्स देगा और ये सर्विसेज गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी चलिए अगर ई का कोई फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं होगा यानी ई बाहर से सर्विस दे रहा होगा जैसे एयरबीएनबी ले लो अगर वो बाहर से सर्विस दे रहा है उसका ऐप बाहर बना हुआ है दे रहा है सर्विस इंडिया में और इंडिया में उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा तो उसको टैक्स देने के लिए इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा या फिर ओके यहाँ पे अगर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो उसे कोई ना कोई पर्सन इंडिया में अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स तो इसमें गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेस नोटिफाई किया है यहां मैंने चार्ट दिया हुआ है पर इससे भी बेटर चार्ट मैं आपको अभी दे रहा हूं अगर आप ये निकाल ये बेटर चार्ट आप ऑप्शन लेते हो और इसका स्क्रीन शॉट ले लेना और अभी के अभी घर पे निकाल लेना ओके अभी के अभी आपने घर पे निकाल लेना ओके देखो लाइबिलिटी ऑफ इशियो फॉर नोटिफाइड सर्विसेस ओके और इसमें कौन कौन सी सर्विसेज गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है टोटल फोर कैटेगरी ऑफ सर्विसेज गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है मैंने दो इधर लिया है और दो इधर लिया है अब ध्यान से सुनो पहली सर्विसेज गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय कैब और एनी मोटर व्हीकल मतलब कोई अगर सप्लायर कैब से सर्विस दे रहा है बस से सर्विस दे रहा है या किसी भी मोटर व्हीकल से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है और उसके लिए अपना बिजनेस करने के लिए इसीओ यूज कर रहा है मतलब अपनी बुकिंग ईसीओ के थ्रू ले रहा है जैसे ओला उबेर मैं टैक्सी ऑपरेटर हूं और मैं सर्विस देना चाहता हूं और मैं टैक्सी ऑपरेटर अपनी सर्विस देना चाहता हूँ तो मैं अपने पैसेंजर बुकिंग के लिए ओला का यूज कर रहा हूँ उबेर का यूज कर रहा हूँ तो ओला उबेर इसीओ माने जाएंगे और जो भी सर्विसेस मैंने ओला उबेर से दिया उसका टैक्स टैक्सी ऑपरेटर नहीं देगा उसका टैक्स ओला उबेर देंगे यानी ई देंगे या बसेस या कोई भी मोटर व्हीकल या मोटरसाइकिल ओके बसेस वगैरह हुई तो बसेस अगर रेड बस से बुकिंग होती है ओके okay, तो जो बुकिंग रेड बस से होगी ओके okay, उसका टैक्स रेड बस देगी उसका टैक्स रेड बस देगी तो अगर कोई भी मोटर व्हीकल ओके व्हेन सर्विस इज सप्लाइड थ्रू के थ्रू दिया गया तो यस नाइन फाइव में ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस थ्रू थ्रूसी नोटिफाइड है और अगर ये सर्विस ईसीओ के थ्रू दिया गया तो उसका टैक्स ईसीओ देगा ऑफ द फैक्ट दैट सप्लाई इज लेबल रजिस्टर और नॉट मतलब वो टैक्सी ऑपरेटर रजिस्टर्ड है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है और वो जो है के रहा है, सप्लायर जीएसटी में लाइबल टू रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड होगा पर जब जब भी वो सर्विस ईसीओ के थ्रू देगा तो उसका टैक्स जीएसटी का गवर्नमेंट को ईसीओ देगा यहां तक समझा क्या समझा होगा तो यस बोलिएगा लेकिन

तो वो केस में सप्लायर इज लाइबल टू पे टैक्स इवन दो सप्लायर थ्रू थ्रूसी लेकिन सप्लायर खुद ही कंपनी है ओके तो फिर सप्लायर टैक्स देगा ओके इवन दो ईसीओ की सर्विस ले रहा है तो उमनी में ये ख्याल रखना यहां तक समझाओगा तो टू टाइप करो स्पेशली ओमनी बस में सप्लायर कंपनी होगी तो ईसी टैक्स नहीं देगा सप्लायर टैक्स देगा और अगर सप्लायर जो बस ऑपरेटर है वो कंपनी नहीं होगा और वो अपनी बुकिंग ईसीओ के थ्रू करवा रहा होगा तो वो टिकट का टैक्स ईसीओ देगा यहां तक समझा क्या चलिए दूसरी रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन स्पेसिफाई प्रीमैसे इंडिया के सारे रेस्टोरेंट सुनिएगा इंडिया के सारे रेस्टोरेंट अगर ई सीओ यूज करते हैं अपने सर्विस के लिए जैसे स्विगी फूड पांडा या वॉट एवर इट मे बी तो अगर इंडिया के सारे रेस्टोरेंट जो भी सप्लाई के थ्रू करेंगे उस रेस्टोरेंट बिल पे रेस्टोरेंट वाला जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं देगा उस रेस्टोरेंट बिल पे ईसीओ गवर्नमेंट को जीएसटी देगा ओके okay. तो वॉट एवर द सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ जैसे स्विगी वगैरह थे पे टैक्स ऑफ द फैक्ट दैट इज लाइबल टू रजिस्टर नॉ क्यों वो रेस्टोरेंट वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ओके okay, जो उसके रेस्टोरेंट में आके कस्टमर बिल ले रहे उसके रेस्टोरेंट में आके जो कस्टमर बैठेंगे उसको वो जीएसटी लगा रहा है लेकिन उसने अगर कोई बुकिंग स्विगी के थ्रू लिया तो उसका टैक्स स्विगी देगा और रेस्टोरेंट वाला नहीं देगा गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को अब इसमें आ गया अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस लेकिन वो अगर रेस्टोरेंट ऐसे प्रीमाइसिस में है जहां रूम रेंट सात या मोर होगा तो फिर वो रेस्टोरेंट वाला खुद टैक्स देगा मतलब क्या मतलब यहाँ पे समझ लो कोई रेस्टोरेंट मैरियोट का है मैरियोड का है या बड़ी होटल होटल लीला का रेस्टोरेंट है और वहां रूम जो दी जा रही है होटल लीला में वहाँ रूम रेंट सात हजार पांच सौ के ऊपर होगा और एक जो है समझ लो यहां आप आपने कहा नहीं मुझे तो मैरियोड से एक मैरियोड के रेस्टोरेंट से बुलाना है ओके okay, तो अगर आपने स्विगी के थ्रू मैरियोड के रेस्टोरेंट से बुक किया और मैरियोड के रेस्टोरेंट वाले ने ओके okay, जहाँ रूम रेंट सात हज़ार पाँच सौ उससे ज़्यादा है ओके okay, और वो प्रीमाइस इसमें रेस्टोरेंट है और वो रेस्टोरेंट ने स्विगी के थ्रू ऑर्डर लिया होगा तो उसका टैक्स स्विगी नहीं रेस्टोरेंट वाला देगा बाकी जो है बाकी इंडिया के सारे जो रास्ते पे रेस्टोरेंट चलते फिरते रेस्टोरेंट धाबा ओके छोटे छोटे रेस्टोरेंट जो जो भी ईसीओ के थ्रू ऑर्डर देंगे ओके उसका टैक्स ईसीओ देगा ओके फिर रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो या ना हो लेकिन अगर स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस में रेस्टोरेंट है बड़े बड़े होटल में जहां रूम रेंट सात के ऊपर है तो वो केस में उसका टैक्स रेस्टोरेंट वाला देगा ओके रेस्टोरेंट वाला देगा उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे दूसरा नोटिफाइड सर्विसेज सर्विसक्शन नाइन फाइव अकोमोडेशन इन होटल मतलब रूम बुकिंग या हाउस कीपिंग सर्विस अगर इंडिया के होटल वाले रूम बुकिंग सर्विस दे रहे हैं हैं सुनना इंडिया के होटल वाले रूम बुकिंग सर्विस दे रहे और अपने रूम बुकिंग के लिए इसे यूज कर रहे हैं ओयो के थ्रू बुक करवा रहे हैं मेक माई ट्रिप के थ्रू बुक करवा रहे हैं या हाउस कीपिंग बाय वे ऑफ प्लम्बिंग होगा आई रिपीट हाउस कीपिंग बाय वे ऑफ प्लम्बिंग सर्विस यानी अर्बन क्लैप ले लो इंडिया के छोटे छोटे प्लम्बर्स हुए कारपेंटर्स हुए, और वो ईसी अर्बन क्लैप यूज नोटिफाइड है अगर अब यहां पे देखना अगर सप्लायर, अगर सप्लायर है, ये छोटे होटल वाले लॉज वाले या छोटे कारपेंटर है इलेक्ट्रिशियन है प्लम्बर है और उनका टर्न क्रॉस नहीं किया है बीस लाख क्रॉस नहीं किया है और अगर वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं तो वो केस में ईसीओ टैक्स देगा ओके okay, जब तक वो छोटे है और सप्लाई के थ्रू है तो टैक्स देगा, लेकिन जैसे ही वो लाइबल टू रजिस्टर हो जाते हैं आई वॉट द सर्विस प्रोवाइडेड बाय टैक्स देगा इवन दो उन्होंने के दिया। okay, तो मैंने क्या बाइफर किया देखो पोर सर्विस में नोटिफाइड है ध्यान सुनना पोर सर्विसाइव में नोटिफाइड है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस इसके अलावा बाकी कोई भी सर्विसेज ई के थ्रू दिया जाता है तो वहां टीडीएस कट सॉरी टीसीएस कटता है ओके okay, वहां टीसीएस कटता है तो इसके अलावा सेक्शन फिफ्टी टू लगता है ये चार ही ऐसी सर्विसेस है जहां ई टैक्स हंड्रेड देता है जहां ई टैक्स हंड्रेड देता है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होटल रेस्टोरेंट वाली सर्विस होटल में रूम बुकिंग सर्विस और ओके हाउसकीपिंग सर्विसेज बस इसके अलावा कोई भी गुड्स सर्विस हो, होगा तो वो टीसीएस के अंदर आएगा ओके okay. अब देखो अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है तो यहां ऐसा नहीं है सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो जब जब भी वो के थ्रू सर्विस देगा तो टैक्स ईसीओ देगा रेस्टोरेंट अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमैसे जब जब भी ईसीओ के थ्रू सर्विस देगा फिर रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो या ना हो जब जब भी ईसीओ के थ्रू सर्विस दिया जाएगा तो ईसीओ टैक्स देगा लेकिन ये दो सर्विसेज जब तक सप्लायर नॉट लाइबल टू रजिस्टर्ड है तो ई देगा अगर सर्विस ई के थ्रू दी गई और जैसे ही वो बड़ा हो गया लाइबल टू रजिस्टर्ड होगा तो, हो तो यहाँ पे ई देगा तो अगर आपके पास ये चार्ट होगा तो ओके नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से बना लेना नाइन फाइव का शॉट ओके तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो और नाइन फाइव का अच्छे से चार्ट बना लेना आपने चलो तो चलिए दोस्तों यहां हमारा कंप्लीट होता है रिवर्स चार्ज अब नेक्स्ट रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन लेवी पे और आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा और आपकी कमेंट जरूर दीजिएगा ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन लेवी तो सीट बेल्ट बांध लीजिएगा इक्विप हो जाइएगा कंपोजिशन लेवी का चार्ट सामने रखिएगा और स्टार्ट करते हैं रिविजन ऑन कंपोजिशन लेवी बेटा yes, चलिए तो आप अगर चार्ट में आते हो तो कंपोजिशन लेवी में सबसे पहले कुछ डेफिनेशन देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो डेफिनेशन है एग्रीगेट एग्रीगेट तो एग्रीगेटर की डेफिनेशन सेक्शन में दी है पर मैं आपको एक बात बता दूं कि एग्रीगेट एग्रीगेटर की डेफिनेशन जब आप ले रहे हो कंपोजिशन लेवी में तो ये डेफिनेशन एग्रीगेट टर्न की सिर्फ कंपोजिशन लेवी की नहीं है सारा जब भी जब भी हम एग्रीगेट टर्न देखेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर एग्जीशन चैप्टर तो एग्रीगेट एग्रीगेटर की डेफिनेशन ये ली जाएगी ठीक है तो अब ऐसे केस में चलिए तो एग्रीगेट टर्न की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे चलो फटाफट फट अभी आपके क्वेश्चन डाउट बाद में पहले हम देख लेते हैं कि क्या है तो यहाँ पे एग्रीगेट टर्न मींस ऑल टैक्सेबल सप्लाई आपको सारे टैक्सेबल सप्लाई लेने हैं दूसरा आपको एग्जम सप्लाई लेने हैं ओके एग्रीगेट टर्न में नेक्स्ट एक्सपोर्ट हो गए और इंटरस्टेट सप्लाई हो गए तो एक्सपोर्ट सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई एग्जाम सप्लाई या सारे ऑल टैक्सेबल सप्लाई आपको कंसिडर करने हैं ठीक है अब देखो यहाँ पे ऑल टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या देखो एक सिंपल वर्ड ले लो टर्न ओवर आपका क्या होना चाहिए तो वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई होगा ऑल टैक्सेबल सप्लाई 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 में आपका इंटरस्टेट ऑफ ऑफ गुड्स सर्विसेज ये सारी आपको एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं है और आपको एग्जाम एग्जाम के तीन सप्लाईज होते हैं अगर एग्जाम सप्लाई की तीन सप्लाई आपको लिखना है तो वोली एग्जाम ओके वोली एग्जाम ओके प्लस नील रेट नील रेट प्लस non-taxable supply. नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो वो भी एग्रीगेट टर्न में आता है ठीक है नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब हमारे छह सप्लाई कौन से छह सप्लाई हमारे ओके okay, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई है और अल्कोलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजन तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई और अल्कोलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजन ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहे जाते हैं और ये भी जब आपका एग्रीगेट टर्न निकाला जाएगा किसी भी चैप्टर के लिए फिर वो कंपोजिशन लेवी हो रजिस्ट्रेशन हो एग्जशन हो किसी भी चैप्टर के लिए जब आपका एग्रीगेट टर्न निकाला जाएगा तो आपको ये भी सप्लाई लेना है प्लस आपके एक्सपोर्ट सप्लाई जिसको हम जीरो रेट सप्लाई कहते हैं और इंटरेस्ट सप्लाई अंडर सेम पैन यानी आप जो है स्टॉक ट्रांसफर जो करते हो ओके स्टॉक ट्रांसफर ऑफ गुड्स या सर्विसेज फ्रॉम वन ब्रांच टू अनादर अंडर डी डी पी वो भी आपको लेना है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी कॉम्प्यूटेड ऑल इंडिया बेसिस मतलब आप जब एग्रीगेट टर्न लोगे तो आपको कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच का नहीं लेना है ओके एग्रीगेट टर्न लेते वक्त ऑल इंडिया बेसिस पे आपको एग्रीगेट टर्न लेना है अब इसमें से दो एलिमेंट आपको एक्सक्लूड करने है कौन से दो एलिमेंट एक्सक्लूड करना है ओके okay, आपके अगर टर्न में जीएसटी इंक्लूडेड होगा तो जीएसटी को एक्सक्लूड करना है मतलब सी जी जीएसटी एस जीएसटी यूटी जीएसटी आई जी एस टी उसको एक्सक्लूड करना है और दूसरा मैं आपको बता दूं ओके दूर्ट सप्लाई ओके इनवर्ट सप्लाई आपको एक्सक्लूड करना है आपने जो परचेसेस की वो आपके टर्न में नहीं आएगी हो सकता है वो आर में हो, हो सकता है वो आर में जिसका टैक्स आप दे रहे हो या फिर वो आर में नहीं भी होगा तो भी आपका टर्न में आपकी परचेसेस नहीं आएगी ओके आर मतलब आप आर में जो टैक्स दे रहे हो आर में जो टैक्स दे रहे हो यहाँ पे इवन दो आप टैक्स दे रहे हो पर आपका टर्नओवर में नहीं लिया जाएगा ओके okay, और दूसरी भी परचेसेस आर सी में नहीं भी दे रहे होगे तो भी आपके सप्लाई में वो ऐड नहीं होता है क्योंकि आपका एग्रीगेट टर्न ओवर लिया जाता है तो ओके okay, इनवर्ट सप्लाई अंडर आर और यहाँ पे टैक्सेस एक्सक्लूड किए जाएंगे ये तो था एग्रीगेट टर्न ओवर इन स्टेट उसके बाद में एग, सॉरी एग्रीगेट टर्न ओवर यहाँ पे हमने देखा दूसरा टर्न ओवर इन स्टेट की डेफिनेशन अब टर्नओवर इन स्टेट की डेफिनेशन ओके यहां पे सेम है एज एग्रीगेट टर्नओवर बस वो है कि यहां ऑल इंडिया बेसिस नहीं लिया जाएगा उस स्टेट से होने वाला टर्नओवर लिया जाएगा आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन समझ में आई होगी रिवाइज अच्छे से हो गई होगी तो ए टाइप कीजिएगा फटाफट ए टाइप कीजिएगा देखो ओके टर्न इन स्टेट और टर्न इन यूनियन टेरिटरी मीन्स एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई सॉरी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई इसमें भी इनवर्ट सप्लाई अंडर आर होगा तो आप नहीं लोगे उसके बाद में एग्जम सप्लाई के तीनों सप्लाई लोगे एग्जाम सप्लाई मेड विद इन स्टेट और यूनियन ट्रेडेड बाय द टैक्सेबल पर्सन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और इंटरस्टेट सप्लाय ओके फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ये आप लोग है तो डेफिनेशन लगभग सेम है यानी टर्न इन स्टेट लेते वक्त भी आपको जो एग्रीगेट टर्न है उस तरह से आपको लेना है अब देखो एग्रीगेट टर्न पे पर क्वेश्चन पर जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे ओके वो एक बार देख लेना कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्न उसके ऊपर ओके क्वेश्चन आ सकता है ओके अब एग्रीगेट टर्न ओवर और टर्न स्टेट में ये जो हाईलाइटेड है ऑल इंडिया पैन बेसिस ये डिफरेंस आपको मिलेगा आपको उस स्टेट से होने वाला सप्लाई जैसे महाराष्ट्र महाराष्ट्र से होने वाला ऑल टैक्सेबल सप्लाई फिर वो महाराष्ट्र से होने वाला ओके okay, यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई क्यों न हो जैसे महाराष्ट्र से गुजरात ओके सेल कर रहा हो महाराष्ट्र से दिल्ली सेल कर रहा हो तो सप्लाई महाराष्ट्र का माना जाएगा गुड्स का हो सर्विस का हो या महाराष्ट्र से होने वाला एक्सपोर्ट महाराष्ट्र से होने वाले तीनों एग्जाम सप्लाई ये ओवर स्टेट में लिए जाएंगे हाँ दो सप्लाई एक्सक्लूड हो गए कौन से दो सप्लाई एक्सक्लूड हो गए तो यहाँ पे आर uh, वाला सप्लाई जिस जो आपका इनवर्ड है और आपके टर्न में नहीं आता है और एक जो है जीएसटी एलिवेंट अगर आपके टर्न में इंक्लूड हो गए तो वो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा तीसरा जो है okay, हम यहाँ पे लेते हैं एग्जाम सप्लाई एग्जाम सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस जो नील रेट ओनली ली और नॉन टैक्सेबल यानी यहां जो इन्होंने रेफरेंस लिया है ये एग्जाम सप्लाई का रेफरेंस लिया है या ये एग्जाम सप्लाई का रेफरेंस लिया है तो जब आप टर्न में एग्जाम सप्लाई लोगे तो टर्न में एग्जाम सप्लाई लेते वक्त आपको तीन सप्लाई लेने पड़ेंगे कौन से तीन सप्लाई लेने ले पड़ेंगे नील रेट वोली एग्जाम एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई आपके कवर हो गए ना अब कुछ नीचे मैंने स्पेशल कमेंट दिए ये कमेंट थोड़ा मैं बाद में लेता हूं ये हमने एक जनरल डेफिनेशन देख ली ओके okay, चलिए एक जो डायग्राम मैंने यहां पे लिया है इससे आपका बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगा और मैंने अपने रेगुलर बुक में भी ये डायग्राम ली है अगर आपको याद आ रहा होगा तो देखिए जब ओके okay, एक बिजनेसमैन छोटा होता है उसके बाद में थोड़ा बड़ा होता है और उसके बाद में और बड़ा होता है तो गवर्नमेंट ने क्या कहा गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपका एग्रीगेट टर्न सुनिएगा आपका एग्रीगेट टर्न ओवर टेन लैक्स ट्वेंटी लैक्स या फोर्टी लैक्स रजिस्ट्रेशन का आपने रिविजन किया था टेन ट्वेंटी या फोर्टी इसके नीचे होगा मतलब जनरल लिमिट ट्वेंटी लैक्स थ्री मनी वाला नाग मुझे दिखा टेन लैक्स और कुछ स्टेट में यहाँ पे फोर्टी लैक्स फॉर एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स तो जहाँ तक देखा जाए इतना टर्न होगा तो ये थ्रेश तीनों को मिलेगा मैन्युफैक्चर हो ट्रेडर हो सर्विस प्रोवाइडर हो जो भी उनको लिमिट मिलेगी जब तक आप थ्रेश में हो तब तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड जीएसटी एस इनवाइस टैक्स इनवाइस नॉट रिक्वायर्ड जीएसटी रिकॉर्ड नॉट रिक्वायर्ड आईटीसी नहीं मिलेगा जीएसटी रिटर्न देने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है रिटर्न वगैरह भी देने की जरूरत नहीं है लेकिन जैसे ही आप थ्रेश क्रॉस कर देते हो तो आपके रजिस्ट्रेशन में अब एक ऑप्शन मिलता है क्या आप कंपोजिशन लेवी लेना चाहते हो अगर आप कंपोजिशन लेवी लेना चाहते हो क्यों क्योंकि आ, आप जो है कम परसेंटेज से टैक्स देना चाहते हो तो अब कंपोजिशन लेवी क्या है लेवी ये है, ओके, पे द टैक्स टूगेदर एट स्मॉल मतलब ये हुआ यहाँ पे, ओके, okay, मतलब आपको ये कहना है कि अगर कोई बिजनेसमैन को यहाँ पे small percentage से टैक्स देना है और रिकॉर्ड्स जीएसटी के हिसाब से नहीं मेंटेन करना है तो वो यहां okay, दे सकता है जैसे इनकम टैक्स में स्कीम होती है तो कंपोजिशन स्कीम में जब वो टैक्स देगा ध्यान सुनिएगा में देगा, तो उसको लिमिट मिलती है अगर सेक्शन टेन वन की बात करें तो टेन वन की बात करें तो आर और सेवेंटी और टेन टू ए की बात करें तो 50 lakhs, की बात करे तो, 50 lakhs, तो ये कंपोजिशन स्कीम उनको मिलती है जहां कम परसेंटेज ऑफ टैक्स है उनको टैक्स देना पड़ता इसके कुछ बेनिफिट भी है तो इसके कुछ ड्रॉबैक भी है जैसे टैक्स पेबल एट कंपोजिट रेट कंपोजिट रेट जो है आपके वन परसेंट फाइव परसेंट और सिक्स परसेंट हो सकते हैं यानी वन परसेंट

टैक्स फ्रॉम कस्टमर क्योंकि बिल ऑफ सप्लाई होता है आप नॉर्मल स्कीम हाँ, में आ जाते हो नॉर्मल स्कीम में आपको टैक्स इन्वाइज बनाना पड़ता है नॉर्मल स्कीम प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड में आपको आई टी सी भी मिल जाता है आई टीसी भी मिल जाता है ओके okay, पर कंपोजिशन स्कीम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप कस्टमर से टैक्स इन्वाइस टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते और आप आईटीसी भी ले नहीं सकते हाँ ये ध्यान रखना अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपका रिटर्न जीएसटीआर आर फोर में जाता है एनुअली जाता है आपको दो रिटर्न देने पड़ते हैं एक नॉर्मल रिटर्न जो एनुअली होता है और जीएसटी आर जो आपका एनुअल रिटर्न होता है नॉर्मल रिटर्न भी आपका साल भर का होता है एनुअल होता है और एक और एक्स्ट्रा रिटर्न देना पड़ता है जीएसटीआर आर नाइन क्वार्टरली okay, स्टेटमेंट जाता है सीएमपी में पेमेंट क्वार्टरली होता है जीएसटी आर फोर आपको थर्टीएथ अप्रैल तक दे देना है और नाइन है आपको थर्टी फर्स्ट डिसंबर तक देना है, okay, 31st तक, जो होता है. अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो तो आपको मंथली जीएसटी आर वन ओके जीएसटी आर टू नहीं है जीएसटी आर थ्री भी तो जो आपका मंथली जी एस थ्री भी होगा वो आपको प्रॉपरली देना पड़ेगा ठीक है तो ये तो हमने देखा यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम ओके यहाँ पे कौन से केस में मिलती है चलिए अब कंपोजिशन स्कीम बेटा आगे हम देखेंगे आप, आपको दो स्कीम है एक सेक्शन टेन वन की स्कीम और एक सेक्शन टेन टू ए की स्कीम तो ये दोनों में आपको ग्रेजुअली एक्सप्लेन करूँगा चलिए अब कंपोजिशन रेट क्या है ओके कंपोजिशन स्कीम में कंपोजिशन रेट क्या है ये थोड़ा ध्यान से समझ लो ओके okay, अगर अगर आप टेन वन की स्कीम में हो ध्यान से सुनिएगा ओके okay, अगर आप टेन वन की स्कीम में हो तो मैन्युफैक्चरर के लिए रेट जो है वो वन परसेंट है रेस्टोरेंट कैटरिंग के लिए फाइव परसेंट है और ट्रेडर के लिए ओके टेन टू एक ही है, okay, है। और जो यानी सर्विस प्रोवाइडर के लिए है वहां जो रेट है सिक्स परसेंट है वहां जो रेट है 6 है तो ये ख्याल रखें जो इसके बाद में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैन्युफैक्चर होगा तो वो वन परसेंट ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट देगा यानी उसका जो टर्न ओवर इन स्टेट आएगा उसका वन परसेंट देगा जनरली इसमें तीन सप्लाई हम इंक्लूड करते हैं ओके टैक्सेबल सप्लाई 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 और नील रेट मतलब क्या जब देगा तो वन परसेंट का सिर्फ टैक्सेबल का वन परसेंट नहीं देगा ओके okay, वो वन परसेंट ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट देगा जब टैक्स देगा तो इन सिंपल वर्ड टैक्सेबल प्लस उसका कोई एग्जम सप्लाई वो भी प्लस नील रेट सप्लाई ये भी आएगा नाउ सेम प्रोविजन फॉर रेस्टोरेंट कैटरिंग रेस्ट्रटरिंग गुड्स और सर्विस एग्जूम सील रेट सप्लाई एड नहीं करना है आपको सिर्फ टैक्सेबल का वन परसेंट देना है और अगर टेन टू एक्कीम होगी तो सिक्स परसेंट ऑफ टर्न ओवर इंस्टेट मतलब ट ऑफ टैक्सेबल प्लस एग्जाम प्लस नील रेट इसका टोटल आपको सिक्स परसेंट यहां पे देना है ओके ये स्कीम जो है ऑप्शनल है सुनिएगा ये स्कीम जो कंपोजिशन स्कीम है ये ये कंपलसरी नहीं है है स्कीम आपको जो ऑप्शनल है, है। चलिए अब मैं आपको यहां पे ये यह स्कीम क्या है टेन वन की स्कीम और टेन टू ए की स्कीम थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देता हूं टेन वन की स्कीम और टेन टू ए की स्कीम क्या कहती है अगर आपका एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ प्रोसीडिंग फिनेंशियल है आपको बेस लेना है प्रेसिडिंग्रीगेट टर्न ओवर ख्याल रहे, of 150 ,00 ,00, या और तो सेवनटी फाइव लैक्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर आसाम हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर आसाम हिमाचल प्रदेश होगा तो वन फिफ्टी लैक्स का लिमिट है अगर एग्रीगेट टर्न ओवर ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड्स वन फिफ्टी लैक्स स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट एक्सक्लूडिंग थ्री सेवेंटी फाइव लैक्स तो आपको करंट ईयर में सीएल मिल जाएगा करंट ईयर में सीएल मिल जाएगा और करंट ईयर में आप सीएल के रेट से यानी फाइव या परसेंट पर टैक्स दे सकते हो अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो आप करंट ईयर में वन परसेंट ऑफ टर्न इन स्टेट पे दोगे अगर आप ट्रेडर हो तो वन परसेंट ऑफ टैक्सेबल टर्न ओवर पे दोगे और रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो फाइव परसेंट ऑफ टर्न इन स्टेट पे दोगे तो आपको ये करंट ईयर में एक वन परसेंट का आपको स्कीम मिल जाएगा लेकिन आपको ये जैसे ही लैक्स क्रॉस हो गया ओके बाद में आपको जो है नॉर्मल स्कीम आपकी सीएल विड्रॉ हो जाएगी और आपको जो है नॉर्मल स्कीम में टैक्स देना पड़ेगा आई रिपीट आपको नॉर्मल स्कीम में टैक्स देना पड़ेगा तो आप करंट ईयर में अप टू एग्रीगेटी लैक्स या 150 लैक्स या लाख या फाइव लैक्स यहां पे ओके okay, तो आपका जो 150 लाख और 75 लाख जो है तो ये एग्रीगेट टर्न हो आपका यहां तक आप वन परसेंट से टैक्स दोगे और वन परसेंट से टैक्स होने के बाद जैसे ही आपका टर्न टर्न और इतना क्रॉस हो गया सीएल विड्रॉ हो जाएगा और आप नॉर्मल स्कीम में टैक्स दोगे चलिए तो ये था टेन वन की स्कीम टेन टू जैसे टेन वन की स्कीम जो है किसको मिलती है तो अगर आप देखते हो तो अप्लीकेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन एग्रीगेटर इन पी एफ आई सेवेंटी फाइव लैक्स फॉर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट अदर देन हिमाचल प्रदेश आसाम जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश आसाम और जम्मू एंड कश्मीर को वन पॉइंट ओके वन फिफ्टी लैक्स सॉरी वन फिफ्टी लैक्स अपलीकेबल है और वन फिफ्टी लैक्स फॉर ऑल अदर स्टेट इंक्लूडिंग एचपी आसाम एंड जम्मू एंड कश्मीर ठीक है तो ये हमने देखा जहां तक है यहाँ पे अगर आप ये टेन वन की कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको कंपोजिशन लेवी मिल जाएगी ओके और वो कंपोजिशंस के लिए भी मैं करंट ईयर में जो रेट मैंने कहा वो रेट से आप टैक्स दोगे यानी वन परसेंट फाइव परसेंट वन परसेंट और अगर टेन टू की स्कीम होगी तो सिक्स परसेंट से आप टैक्स दोगे ठीक है अब उन्होंने एक स्पेशल कॉन्सेप्ट दिया मार्जिनल सर्विस का और मार्जिनल सर्विस कॉन्सेप्ट क्या देखो जो ये टेन वन की स्कीम ले रहे टेन वन की स्कीम मैन्युफैक्चरर रेस्टोरेंट कैटरिंग और ट्रेडर ओके आई रिपीट मैनुफेक्चर रेस्टोरेंट कैटरिंग और ट्रेडर और ये मैन्युफैक्चरर रेस्टोरेंट कैटरिंग और ट्रेडर अगर ये सप्लाई गुड्स करेगा आई रिपीट सप्लाई ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो सर्विस यानी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर गुड्स सप्लाई करेंगे और रेस्टोरेंट कैटरिंग होगा तो वो केस में यहाँ पे सर्विस देंगे तो इनको ओके okay, तक या सेवेंटी फाइव तक वन ही रहेगा अब टेन वन की जो स्कीम अप्लाई ओके ले रहा है कौन ले रहा है मैन्युफेक्चर कैटरिंग रेस्टोरेंट एंड ट्रेडर जो भी ये टेन वन की स्कीम ले रहा है यहाँ पे ना उसको एक टेन टू की कंडीशंस है और टेन टू की कंडीशंस उसको लगती है जो टेन वन में स्कीम ऑप्ट कर रहा है टेन टू की एक कंडीशन है पर्सन ऑप्टिंग फॉर द स्कीम अंडर टेन वन यानी मैन्युफैक्चर कैटरिंग स्टोन और ट्रेडर कैन नॉट सप्लाई एनी सर्विस यानी अगर यहां पे जो टेन वन की स्कीम ले रहा है वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता ये कंडीशन है कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता एक्सेप्ट मार्जिनल लिमिट मार्जिनल ah, लिमिट तक वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है जैसे ओके मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर सप्लाई ऑफ गुड्स करेगा और दूसरा कोई सर्विस नहीं देगा रेस्टोरेंट कैटरिंग सिर्फ रेस्टोरेंट कैटरिंग वाला सर्विस देगा ओके okay, और तीसरा ट्रेडर ट्रेडर सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स करेगा लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ लिमिट तक सर्विस अलाउ कर दी है और ये जो है जो टेन मन की वन फिफ्टी लैक्स की स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे कितना सर्विस करंट फाइनेंशियल ईयर में प्रोवाइड कर सकते हैं

ये सर्विस आप इतना दे सकते हो गुड्स के साथ बट एग्रीगेट और आपका 150 या 75 होना उससे नहीं होना चाहिए सर्विस दे सकते हो जो टेन परसेंट ओके टेन परसेंट या फाइव लैक्सरी okay, तो आपको चलो सम, जिसको भी समझाओगे फटाफट वन टाइप करो चलो फटाफट ओके okay, क्या देख रहे हो फटाफट वन टाइप करो तो चलिए ओके okay, तो यहां पर यह हमने देखा कि इतना सर्विस दे सकते हैं अगर इससे ज्यादा यानी टेन परसेंट से ज्यादा और फाइव लैक्स फिच्य जो भी आपकी अमाउंट आती है उससे ज्यादा अगर आपने सर्विस दे दी तो उसी दिन आपका सेल विद्रॉ हो जाएगा यानी इवन तो आपका एग्रीगेट टर्न और वन के नीचे चल रहा है पर आपकी सर्विस अमाउंट आपका सर्विस अमाउंट ये ये मार्जिनल लिमिट से ज्यादा हो गया करंट फाइनेंशियल ईयर में तो उसी दिन सेल विद्रॉ कर लिया जाएगा चलो देन अब ये की जो स्कीम ऑप्ट कर रहा है ओके okay, जो मार्जिनल सर्विस लिमिट हमने देख ली वो उसको टेन टू की कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है और दिस कंडीशन अपल फॉर करंट फाइनेंशियल है है लिखना तो लिख देना अप्लीकेबल फॉर करंट फिनेंशियल ईयर ओके करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या पहला पर्सन ऑप्टिंग फॉर टेन वन कंपोजिशन कैन नॉट सप्लाई एनी सर्विस एक्सेप्ट अलाउड इन प्रोविजन टू ऑफ टेन वन मतलब जो मार्जिनल ये प्रोविजोर टू है मार्जिनल लिमिट तक जितना सर्विस आपको अलाउ किया है उससे ज्यादा उसने सर्विस नहीं देना चाहिए उतने ही लिमिट तक उसको सर्विस लिमिट अलाउ होगी उससे ज्यादा अगर सर्विस दिया तो उसी दिन उसीड्रॉ कर लिया जाएगा दूसरा नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर नॉन टैक्सेबल अंडर जी एस टी एक्ट ओके ये ये इंपॉर्टेंट है ओके okay, वो कोई भी ऐसा गुड्स और सर्विस जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है पेट्रोल डीजल में एंगेज नहीं चाहिए ओके okay, क्योंकि हम एग्रीगेट टर्नोल देख रहे हैं वो एग्रीगेट टर्नोल में जहां तक देखा जाए किसी भी ब्रांच में उसने सेम पैन में आई रिपीट सेम पैन में किसी भी ब्रांच में उसने पेट्रोल डीजल वगैरह ओके okay, यहां पे या अल्कोहलिक लिकर सप्लाई नहीं करनी चाहिए अगर वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है करंट फिनेंशियल ईयर में तो उसका सीएल उसी दिन विदड्रॉ कर लिया जाएगा आई रिपीट उसका सीएल उसी दिन विड्रॉ कर लिया जाएगा नेक्स्ट नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ एसओजी और एसओएस हाँ वो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता है मतलब अगर कोई यहाँ पे कंपोजिशन लेवी ले रहा है तो वो स्टेट के बाहर नहीं बेच सकता विद इन स्टेट उसको आउटवर्ड सप्लाई करना पड़ेगा जिस दिन उसने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर दिया उसी दिन उसका सीएल विड्रॉ हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आप ध्यान दीजिएगा क्या आपको ध्यान देना है वो आउटवर्ड सप्लाई मना कर रहे हैं वो इनवर्ड सप्लाई मना नहीं कर रहे मतलब आप इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई कर सकते हो आपको मतलब आप अदर स्टेट से परचेस कर सकते हो कंपोजिशन लेवी ले सकते हो रिस्ट्रिक्शन इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई पे है उसके बाद में नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू जो हैस कलेक्ट कर रहे हैं अब यहाँ अमेंडमेंट है ओके पहले नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विस था यानी इसीओ के थ्रू उसने गुड्स सप्लाई नहीं करने चाहिए और ईसीओ के थ्रू उसने सर्विस सप्लाई नहीं करनी चाहिए पर अब ये रिस्ट्रिक्शन ओनली सर्विस को अप्लीकेबल है मतलब यह हुआ कि अगर कंपोजिशन लेवी वाला गुड सप्लाई करता है के थ्रू तो उसको सीएल मिलेगा एक बार साथ अगर वो गुड सप्लाई कर रहा है ईसीओ के थ्रू जो टीसीएस कट करते हैं तो गुड्स करता है ईसीओ के थ्रू जो टीसीएस कट करते, करते हैं तो सीएल मिलेगी कहां रिस्ट्रिक्शन है अब ये सर्विस को रिस्ट्रिक्शन है अगर आप सप्लाई सर्विस कर रहे थ्रूसी तो आपको सीएल नहीं मिलेगा

कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी पर फिर से कह दो रिस्ट्रिक्शन मैन्युफैक्चर को ही है रिस्ट्रिक्शन यहां पे जहां तक देखा जाए तो ट्रेडर को नहीं है रेस्टोरेंट कैटरिंग को नहीं है अगर कोई ट्रेडर पान मसाला बेच रहा है आइसक्रीम बेच रहा है या कोई यहाँ पे रेस्टोरेंट कैटरिंग वाला आइसक्रीम बेच रहा है तो उसको सीएल मिलेगा अरे समझा नहीं समझा तो आपके क्वेश्चन करने के बाद जीएसटी में कॉन्फिडेंस आ रहा है अरे वाह बहुत अच्छी बात है ओके मजा आएगा और क्वेश्चन रियली बहुत अच्छे है अरे यहां तक समझा क्या तो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ मैनुफैक्चर को है और नायदर सी टीपी और एनआरटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होने चाहिए ओके okay, तो ये कंडीशन उन्होंने डाली है ओके okay, ये कंडीशंस उन्होंने डाली है और मैं आपको कह दूं अगर आप ये कंडीशंस में आते हो तो उसी दिन करंट फाइनेंशियल ईयर में सीएल विड्रॉ हो जाएगा ओके okay, विड्रॉ हो जाएगा पर ख्याल रहे ये कंडीशन सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर में है मतलब मतलब प्रॉब्लम जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर आपको ये लिख के दिया कि भाई प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर में उसने इंटरस्टेड आउटवर्ड सप्लाई किया प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर में उसने नॉन टैक्सेबल सप्लाई किया प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर में वो नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर था या सर्विस उसने किया पिछले साल कुछ भी किया हो हमें उससे लेना देना नहीं हमें सिर्फ पिछले साल का एग्रीगेट टर्न देखना है एंड इट शुड नॉट एक्सीड्स वन फिफ्टी और सेवनटी फाइव ठीक है ओके okay, तो जहां तक देखा जाए तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि फिर से कहता हूं यह सारा रिस्ट्रिक्शन करंट फाइनेंशियल ईयर में मेंबल है पिछले साल कुछ भी हो अब बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि लास्ट ईयर में इंटरेस्टेड okay, अरे पढ़ा था कहीं तो भी इंटरेस्टेड होगा तो सीएल नहीं मिलता है भाई वो कंडीशन प्रीवियस ईयर में नहीं वो कंडीशन करंट ईयर में है ओके करंट ईयर में होगा तो सीएल नहीं मिलेगा सीएल भी हो जाएगा ये समझा क्या ये समझा क्या वेरी गुड तो हमने देखा अब एक प्रोविजो टू टेन टू है और ये क्या कहता है ये कहता है कि जब आप सीएल ले रहे हो और आपकी एक से ज्यादा रजिस्टर्ड ब्रांचेस है सेम स्टेट में या डिफरेंट स्टेट में अगर आप सीएल ले रहे हो तो सीएल आपको तभी मिलेगा सीएल आपको तभी मिलेगा जब सारी ब्रांचेस को ले रहे हो अगर तू है तो पूरी कायनात है तू नहीं तो कुछ नहीं कुछ नहीं मतलब मिलेगी सीएल तो सबको मिलेगी और अगर एक भी इन एलिजिबल हो जाता है आई रिपीट एक भी इन एलिजिबल हो जाता है तो सभी इन एलिजिबल हो जाएंगे बल फ रजिस्टर्ड पैन ऑफ अंडीशन रिक्वर्यर टू ऑफर कम्पोजिशन स्कीम अगर एक भी इन एलिजिबल जाता है तो सारा इन एलिजिबल हो जाएगा सेम पैरल लाइन पे ओके जहां तक मैंने एक एग्जाम्पल लिया था आपको पढ़ाते वक्त समझ लो आपका कोई एक ब्रांच स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में है मनीपुर में है तो मनीपुर में टर्न ओवर लिमिट कितनी है सेवेंटी फाइव लैक्स और दूसरा ब्रांच आपका महाराष्ट्र में लेकिन यहां पे आपको ओवरऑल लिमिट 75 फाइव लैख लगेगी क्यों क्यों क्योंकि मणिपुर का 75 फाइव है तो उसके वजह से अगर आपका एग्रीगेट सेवेंटी फाइव लैख के ऊपर जाता है तो वो केस में मणिपुर इन एलिजिबल हो जाएगा अगर मणिपुर इन एलिजिबल हो जाएगा तो आपकी सारी ब्रांचेस इन एलिजिबल हो जाएगी इसलिए आपकी कोई भी एक ब्रांच अगर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट एक्सेप्ट हिमाचल प्रदेश आसाम और जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर <coughs> कोई भी स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में एक भी ब्रांच होगी तो इनडायरेक्टली आपको सीएल 75 फाइव लैक्स का ही हो गया क्योंकि आपका एग्रीगेट और ओके यहां पे मणिपुर 75 फाइव के ऊपर जाता है तो वो इन एलिजिबल हो जाएगा तो इस प्रोविजो के हिसाब से सारे इन एलिजिबल हो जाएंगे ये समझ में ये समझ में आया क्या आपके वेरी गुड ये तो था बेटा यहां पे टेन वन की स्कीम आई रिपीट ये था टेन वन की स्कीम टेन टू एक स्कीम क्या है टेन टू एक स्कीम उन पर्सन को है जो टेन वन में एलिजिबल नहीं होते प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर ओके प्रीडोमिनेंटली सर्विस प्रोवाइडर क्यों क्योंकि टेन वन में टेन वन में एक ही सर्विस प्रोवाइडर एलिजिबल है कौन सा सर्विस प्रोवाइडर एलिजिबल है रेस्टोरेंट और कैटरिंग ओके रेस्टोरेंट कैटरिंग हाँ ये सप्लाई सर्विस माना जाता है और वही एलिजिबल है बाकी ओके okay, बाकी तो बेटा वो क्लियर कहते हैं कि आपने सर्विस नहीं देना चाहिए टेन टू की कंडीशन है कि आपने सर्विस नहीं देना चाहिए और जो मैनुफेक्चरर ट्रेडर है या रेस्टोरेंट कैटरिंग है वो सिर्फ मार्जिनल लिमिट तक सर्विस दे सकते हैं साथ साथ में एनसेलरी साथ में इन शॉर्ट टेन वन की स्कीम रेस्टोरेंट कैटरिंग के बाकी अगर कोई प्योरली सर्विस प्रोवाइडर होगा तो टेन वन की स्कीम नहीं मिलती है तो उसको कौन सी इतनाबल होती है, फिर? होता है और -1 की या फिर या फिर ओके टेन वो मैन्युफैक्चर या वो ट्रेडर जिनके सर्विस एलिमेंट ज्यादा है मार्जिनल लिमिट से ज्यादा है देखो टेन टू की स्कीम किसको मिलेगी जो टेन वन में एलिजिबल नहीं है अब टेन वन में एलिजिबल कौन नहीं है सर्विस प्रोवाइडर नहीं है दूसरा वो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जिनकी सर्विसेज मार्जिनल लिमिट से बहुत ज़्यादा है पर टर्न और पचास लाख से कम है कोई समझ लो एक ट्रेडर है बीस लाख का धंधा गुड्स का करता है और पंद्रह लाख का सर्विस का करता है तो उसका मार्जिनल लिमिट से ज़्यादा सर्विस है तो उनको भी टेन टू ए की स्कीम मिलेगी और टेन टू ए का रिस्ट्रिक्शन है कि फिफ्टी लैक्स आपका एग्रीगेट टर्न और प्रोसीडिंग फिनेंशियल ईयर में फिफ्टी लैक्स क्रॉस नहीं होना चाहिए अगर 50 लैक्स वॉस नहीं होता है तो करंट ईयर में आप अप टू तो 50 लैक्स आई रिपीट करंट ईयर में आप अप टू तो 50 लैक्स ओके okay, यहां सीएल ले सकते हो ओके okay, यहां सिक्स परसेंट रेट रहेगा ओके okay, और यहां नो no डाउट मिलेगी तो सबको मिलेगी नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी एंड इज नॉट एलिजिबल मतलब आपका एग्रीगेट टर्न और पचास लाख के ऊपर सॉरी uh, आपका एग्रीगेट टर्न और प्रोसेडिंग फाइनेंशियल ईयर का फिफ्टी लैक्स या उससे नीचे होना चाहिए और आप टेन वन टेन टू में एलिजिबल नहीं होने चाहिए मतलब आपको यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि आप टेन वन टेन टू में एलिजिबल नहीं हो तो टेन टू एक ना ये लगभग कंडीशन सेम है मैंने यहाँ जीएसटी सिक्स परसेंट से आता है और यहाँ की okay, स्कीम में जहां तक देखा जाए तो टेन टू ए की कंडीशन सेम है एक्सेप्ट पहला वाला जैसे यहाँ पहला वाला कंडीशन क्या था यहाँ पहला वाला कंडीशन था कि आप सर्विस में एंगेज नहीं होना चाहिए मोर देन मार्जिनल लिमिट यहाँ वो कंडीशन डाल ही नहीं सकते क्यों नहीं डाल सकते क्योंकि है ही ये सर्विस प्रोवाइडर या जिनकी सर्विसेज ज्यादा है उनके लिए तो नॉ हाँ सेकंड जो सेकंड वाली कंडीशन है वहां से सेम आता है मतलब नॉट एंगेज इन नॉन टैक्सेबल सप्लाई इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई सेम कंडीशन है ओके सर्व सर्विस जो है वो ई के थ्रू नहीं होनी चाहिए नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चर नहीं होने चाहिए और नायदर सी और एनआरटी होना चाहिए अब अब देखो इसमें अगर आप बुक देखोगे तो इसमें नोटिफाइड गुड्स जो है वो नोटिफाइड गुड्स इतने ही है मतलब आइसक्रीम इटिबलाइज पान मसाला एरिएटेड वाटर और टोबैको हाँ यहाँ पे जो नोटिफाइड गुड्स है यहाँ लिमिटेड लिस्ट है और यहाँ पे सिर्फ इतनी ही लिस्ट आएगी टोबैको और टोबैको सब्सटीट्यूट तक इतनी ही लिस्ट यहाँ पे आएगी ओके बाकी के बाकी की लिस्ट इधर नहीं है मतलब क्या मतलब फ्लाई एश फ्लाई एग, एग्रीगेट फ्लाई एश ब्रिक्स एंड एक्सेट्रा अगर ये गुड्स हो गए तो यहाँ टेन टू ए की स्कीम मिल सकती है सिर्फ यहाँ चार नोटिफाइड गुड्स है आइसक्रीम एडिबलाइज पान मसाला एरिएटेड वाटर टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट ठीक है बाकी तो प्रोविजन सेम है टेन टू ए की स्कीम भी आप ब्रांच वाइज नहीं ले सकते लेना है तो आपको सबके लेना पड़ेगा नहीं तो वो केस में एक भी इन एलिजिबल होता है तो सभी इन एलिजिबल हो जाएंगे नाउ नेक्स्ट कहता है ओके आपने अगर ऑप्शन ले लिया क्योंकि टेन वन की स्कीम या टेन टू ए की स्कीम ऑप्शनल है अगर आपने ऑप्शन ले लिया तो आपका करंट ईयर में जैसे आपका एग्रीगेट टर्न फिफ्टी लैक्स सेवेंटी फाइव लैक्स या फिफ्टी लैक्स क्रॉस हो जाता है स्कीम लैप्स हो जाएगा यानी आपको करंट ईयर में स्कीम कंप्लीट पूरे फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगी करंट ईयर में जो स्कीम मिलेगी आपको वन परसेंट फाइव परसेंट या सिक्स परसेंट ये कब लैप्स होगा कब विड्रॉ होगा जैसे ही आपका टर्न ओवर वन फिफ्टी लैक्स या सेवेंटी फिफ्टी लैक्स क्रॉस हो जाता है अदर कंडीशन कंपोजिशन डीलर कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई वो आई टी सी नहीं ले सकता है और वो टैक्स इन्वाइस इशू नहीं कर सकता है वो बिल ऑफ सप्लाई देगा उसके बाद में अगर उसने सीएल जबरदस्ती लिया मतलब वो एलिजिबल नहीं होगा तभी भी उसने सीएल लिया या उसका सीएल विड्रॉ हो गया होगा पर उसने गवर्नमेंट को नहीं बताया

अन रजिस्टर्ड हो और पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तो जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जाओगे सुनिएगा जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपके आर जी जीरो वन में ही आपको इंटीमेट करना पड़ता है सेपरेट इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं है आर जी जीरो वन में ही आपको इंटीमेट करना पड़ता है कि यू आर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम लेकिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो क्यों अब आपको एक बात बता दो ऑलरेडी रजिस्टर्ड का मतलब क्या आपको कंपोजिशन स्कीम जो है ऐसा नहीं कि एक बार आपने ले लिया तो अब लाइफ टाइम नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है

जब जब भी आपका एग्रीगेटन और प्रोसेडिंग फाइनेंशियल ईयर का थ्रेशोल्ड के नीचे रहेगा वन फिफ्टी या फिफ्टी आपको सब्सिक्वेंट ईयर में ओके okay, सी के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाएगी लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड हो और सी लेना चाहते हो तो फिर आपको इंटीमेशन देना पड़ता है ओके बिफोर स्टार्टिंग द फिनेंशियल ईयर ईयर स्टार्ट होने के पहले आपको सी एम पी जीरो टू में इंटीमेशन देना पड़ता है कि मैं ओके okay, अगले साल से यानी फर्स्ट अप्रैल से सी लेना चाहता हूँ और आपने कोई भी एक प्लेस ऑफ बिजनेस से आपने कोई भी एक प्लेस ऑफ बिजनेस से इंटीमेशन दे दिया तो सारे प्लेस ऑफ बिजनेस का इंटीमेशन माना जाएगा आपकी कंपोजिशन स्कीम फर्स्ट से इफेक्टिव होगी अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो या फिर जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन लिया उस दिन से आपकी इफेक्टिव होगी ठीक है उसके बाद में पर्सन सी टू फुलफिल फुल कंडीशन हाँ कंपोजिशन स्कीम कब विद्रॉ होगी जब आपने कोई कंडीशन फुलफिल uh, नहीं किया तो कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाएगी वॉलंट्री भी आप विद्रॉ कर सकते हो आपको स्टेटमेंट देना पड़ता है क्वार्टरली क्वार्टरली सीएमपी जीरो एट में स्टेटमेंट देना पड़ता है और एटीन ऑफ नेक्स्ट मंथ देना पड़ेगा रिटर्न एनुअली है जीएसटीआर फोर जिसकी ड्यू डेट थर्टी अप्रैल है और आपको यहाँ पे एनुअल रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है जीएसटी आर नाइन में ठीक है ये हमने देखा कंपोजिशन स्कीम में लेकर अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जब आप कंपोजिशन स्कीम के लिए सुनिएगा जब आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एग्रीगेट टर्न ऑवर निकालोगे ठीक है जस्ट मिनट मैं आपको थोड़ा ऐसे समझा नोट्स रेगुलर बैच के नोट्स लेके हाँ अब देखिए जब आप कंपोजिशन <coughs> लेवी के लिए एग्रीगेट टर्न ऑन निकालोगे तो समझ लो आपने 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिया और 20 लाख के थ्रेशोल्ड के बाद आप सीएल लेना चाहते हो तो आप करंट ईयर में एग्रीगेट टर्न और 150 लाख तक तो की सीएल ले सकते हो तब पहला आपका सवाल खड़ा हो जाएगा कि सर जब मैं एग्रीगेट टर्न और निकालूंगा फॉर सेल तो ये 20 लाख के थ्रेशोल्ड के बाद या 10 लाख का थ्रेशोल्ड जो भी आपने लिया होगा उसके बाद 150 मिलेगा या वो इंक्लूड करके 150 मिलेगा तो बेटा वो इंक्लूड करके 150 मिलेगा मतलब क्या मतलब ये हुआ कि दैट 20 अब आपका कितना बचा अगर आप 1.5 के इसमें होगा तो ओके okay, आपको वन, 1 CR ही बचा जिसके आप सीएल ले सकते हो क्योंकि 20 लैक्स थ्रेशोल्ड में थे या 75 में होगा तो 55 अगर आप 50 लैक्स की स्कीम में हो तो 30 लैक्स इन शॉर्ट इन शॉर्ट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप थ्रेशोल्ड के बाद सीएल ले रहे हो तो थ्रेशोल्ड होने के बाद 150 लाख नहीं जब आपका एग्रीगेट टर्न लिया जाएगा तो ये ट्वेंटी लैक्स भी उसमें इंक्लूड किए जाएंगे और ये ट्वेंटी फॉर रजिस्ट्रेशन टिल यू फॉर रजिस्ट्रेशन जो आपका थ्रेशोल्ड होता है वो भी एग्रीगेट टर्न में लिया जाएगा ये समझा क्या ये समझा होगा तो वन टाइप करो लेकिन लेकिन यहां पे ध्यान से सुनिएगा जब आप टैक्स दोगे यानी जब टर्न ओर स्टेट टैक्स किसके ऊपर देते हो आप टर्न ओवर इन स्टेट पर तो जब आप वन परसेंट फाइव परसेंट सिक्स परसेंट टैक्स दोगे तो टैक्स आप जो थ्रेशोल्ड में ट्वेंटी लैक्स हुआ उस पर नहीं दोगे उसके बाद जो बचेगा यानी वन थर्टी या फिफ्टी फाइव या थर्टी लैक्स ओके या आप टेन वन के स्कीम में हो गए तो वन थर्टी जहाँ वन फिफ्टी लैक्स का टर्न ओवर अप्लीकेबल होता है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा तो बीस तो आपका हो गया खत्म तो आपका जो फिफ्टी फाइव लैक्स बचा या दस लाख होगा तो सिक्सटी फाइव लैक्स या फिर यहाँ पे थर्टी लैक्स तो जो आपका थ्रेशोल्ड के बाद बचेगा उसके लिए उसका आपको वन परसेंट देना है एक बार फिर से एग्रीगेट टर्नओवर लेते वक्त आपको पूरा लेना है एग्रीगेट टर्नओवर लेते वक्त आपको पूरा लेना है तो एग्रीगेट टर्नओवर में ये वाला इंक्लूड और जब आप टर्न ओवर इन स्टेट, tax, repeat, जब आप इन स्टेट tax, तो आपको जो है ओके okay, मतलब थ्रेश, ये जो है ये थ्रेशोल्ड का निकाल के आगे जो बचेगा उसका वन परसेंट देना है ये समझा क्या आपको यह समझा होगा तो फटाफट टू टाइप करो ये समझा होगा तो आप फटाफट टू टाइप करो तो ये वो मैं यहां पे इस चार्ट में आपको यही पॉइंट समझाना चाहता हूं कि जब आप एग्रीगेट टर्न ओवर लोगे तो एग्रीगेट टर्न ओवर इंक्लूड वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड बाय सच पर्सन फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन मतलब जो थ्रेशल वाला टर्न ओवर होगा वो एग्रीगेट में लिया जाएगा वो एग्रीगेट में लिया जाएगा ओके okay, बट जब आप टर्नोव इन स्टेट निकालोगे

इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन लोन और एडवांसेस वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा इसके लिए अगर आपका इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग होगा और ये किसका लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का तो ये जो है आपके किसी भी कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा आपके एग्रीगेट टर्न से आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा फिर वो एग्रीगेट टर्न और आप प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का निकाल रहे हो आप एग्रीगेट टर्न और करंट फाइनेंशियल ईयर का निकाल रहे हो सभी कैलकुलेशन से आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा ओके एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एग्जाम्पल लिया है ये जरूर पढ़ना एग्जाम्पल जैसे आ, समझ लो मैं एक ट्रेडर हूँ और मुझे अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट मिल रहा है या मेरे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट है तो सर्विस बट एग्जाम सर्विस है और ये आपके किसी भी टर्नओवर में नहीं लिया जाएगा लेट्स अज्यूम पहला एग्जांपल लेते हैं एग्रीगेट टर्न ऑफ एक्सपायर पी एफ आई इज वन फिफ्टी टू लैक्स पिछले साल उसका एग्रीगेट टर्न और वन फिफ्टी टू लैक्स था विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑफ थ्री लैक्स तो इंटरेस्ट को डिडक्ट कर देना सारे कैलकुलेशन से इंटरेस्ट को डिडक्ट कर देना या उसको कंसिडर मत करना तो 152 में से थ्री अगर मैं इंटरेस्ट डिडक्ट कर दू तो कितना बचा तो 149। तो मेरा एग्रीगेट ईयर का 149 है अगर मेरा 149 है तो क्या मुझे सीएल मिल जाएगा? यस, yes, तो छोड़ के देखना है दूसरा एक्सवाइज लिमिटेड ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लिविंग सेवेंटी सप्टेंबर करंट फाइनेंशियल टर्न ओवर एक्सवाइजन टेन लैक्स एडवाजिटल लेकिन उसमें इंटरेस्ट टेन है तो इंटरेस्ट को डिडक्ट कर दो इंटरेस्ट को डिडक्ट करने के बाद आपका कितना आया वन फोर्टी फाइव वन फोर्टी फाइव मतलब अभी भी आपके पांच पांच लाख का लिमिट बाकी है. आपको आपके करंट ईयर के भी एग्रीगेट टर्नओवर में सुनना आपको आपके करंट ईयर के भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरेस्ट को नहीं लेना है ओके okay, वो इंटरेस्ट एक्सक्लूड करना है मतलब अभी भी आपकी पांच लाख की लिमिट बाकी है ओके okay, ये समझा क्या चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अरे भाई साहब बोलो फटाफट जो भी कनेक्टेड है बोलो समझ में आया कि नहीं आया उसके बाद में मैनुफेक्चर पी क्यूआर लिमिटेट ऑप्टेड फॉर कम्पोजिशन लिवी इन करेंट फाइनेशियल इट्स टर्न ओवर ऑफ द स्टेन इन 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 महाराष्ट्र इन फर्स्ट क्वार्टर उसमें टैक्सेबल सप्लाई देखो मैन्युफैक्चर है अगर मैन्युफैक्चर है तो उसको टैक्सेबल सप्लाई उसको वन परसेंट ऑफ टर्न ओवर इन स्टेट लगेगा और टर्न ओवर इन स्टेट में टैक्सेबल प्लस एग्जाम प्लस नील रेट सब एड होता है तो टैक्सेबल दोनों भी ऐड हो जाएगा एग्जाम भी ऐड हो जाएगा हाँ लेकिन इंटरेस्ट होगा तो ये इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करना ये कैलकुलेशन में मत लेना इवन दो टर्न ओवर इन स्टेट में एग्जाम सप्लाई ऐड होता है पर इन्होंने खुद ही कहा है कि जब भी आप टर्न ओवर इन स्टेट निकालोगे या एग्रीगेट टर्न ओवर निकालोगे तो वो केस में आपको इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा तो यहाँ इंटरेस्ट एक्सक्लूड होगा ये समझ में आया क्या यहाँ इंटरेस्ट एक्सक्लूड होगा तो यहां मतलब आपका जो लिया जाएगा वो ट्वेंटी प्लस टू प्लस वन यानी ट्वेंटी थ्री लैक्स का वन परसेंट निकाला जाएगा इंटरेस्ट को एक्सक्लूड होगा उसके बाद में नेक्स्ट एबीसी लिमिटेड हैज अ टर्नओवर इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रेसिडिंग फाइनेंशियल एटी लैक्स करंट फाइनेंशियल year? अल्सो what इज द अमाउंट ऑफ मार्जिनल लिमिट ऑफ सर्विस पिछले साल का टर्न ओवर एटी था उसमें इंटरेस्ट सेवन था तो इंटरेस्ट को डिडक्ट करके क्या टर्न ओवर आया तो इंटरेस्ट को डिडक्ट करके टर्न ओवर सेवेंटी थ्री आया क्या उसको सीएल मिल जाएगा बिल्कुल मिलेगा क्योंकि वो महाराष्ट्र में दूसरा जब आप मार्जिनल लिमिट लेते हो तो मार्जिनल लिमिट ऑफ सर्विस कितना लेते हो आप मार्जिनल लिमिट ऑफ सर्विस आप लेते हो और वो कितना होता है बेटा टेन परसेंट सुनिएगा टेन परसेंट ऑफ टर्न इन स्टेट ऑफ प्रेसिडिंग फिनेंशियल ईयर तो टेन परसेंट ऑफ टर्न इन स्टेट ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर कितना है उसका एटी पर एटी में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो इंटरेस्ट को निकालकर इंटरेस्ट को निकालकर उसका सेवेंटी बचा उसका टेन परसेंट और फाइव लैक्स विच हायर तो हायर जो आएगा या lakhs, उसको मिल जाएगी उसके बाद में ऑफ सर्विस इंक्लूड इंटरेस्ट टू लैक्स मार्जिनल लिमिट कितनी मिली करंट ईयर में सेवन पॉइंट थ्री चलो करंट ईयर में उसका गुड सेवेंटी फाइव है और सर्विस नाइन हो गई सेवन पॉइंट थ्री के ऊपर चलेगी नहीं उस लाइन में टू इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को निकाल दो इंटरेस्ट को सारे कैलकुलेशन से निकाल देना फॉर फॉर अगर मार्जिनल लिमिट तो से, से कम है तो आपको यहाँ पे सीएल मिल जाएगा इस तरह से हमारा हर एस्पेक्ट हो गया रिगार्डिंग टू कंपोजिशन स्कीम और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इतने यहाँ पे आ, <coughs> हर एस्पेक्ट को जितना भी टाइम हमारे पास है हर एस्पेक्ट को मैंने कोशिश की कवर करने की लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए कंपोजिशन स्कीम के लेकिन आप इसके बाद क्वेश्चन यार जरूर देखिएगा आपके और कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो गए आपके अंडरस्टैंडिंग भी और बढ़ेगी तो दोस्तों अगर मजा आया होगा रिविजन में तो एम जेड एम जेड टाइप कीजिएगा ओके यहाँ पे चलिए तो ये हमने देखा ओके रिविजन ऑफ कंपोजिशन लेवी